चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द रचना, सबसे पहले शब्द रचना, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया वगैरह उसी के पार्ट में। तो एक बार हम दिखा देते हैं आपको शब्द रचना में हम क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, वो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले देखिए, यह है शब्द रचना यानी वर्ड फॉर्मेशन। शब्द कैसे बनते हैं पहले ये बताइए, शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों के योग से क्या बनते हैं? शब्द बनेंगे। जैसे अगर हम दो वर्ण ले लिए, न और ल, न एक वर्ण है और दूसरा वर्ण क्या है? ल। तो नल क्या बन गया? एक शब्द बन गया। यानी दो या दो से अधिक वर्णों के संयोग से क्या बनता है? शब्द बनेंगे। और इसी शब्द के आधार पर फिर क्या बनेंगे आप? वाक्य का निर्माण करेंगे। और उसी वाक्य में पूछा जाता है कि क्या विसंगतियां हैं, यानी क्या अशुद्धि है, यही पूछा जाता है ना। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे शब्द रचना। हिंदी एक रचनात्मक भाषा है क्योंकि हिंदी में बहुत सारे साहित्यों की रचना हुई है ना। अब शब्दों की रचना ध्वनियों या वर्णों के संयोग से होती है। ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? इनको थोड़ा जूम कर देता हूं मैं ताकि आपको दिखे। चलिए अब दिखने चाहिए ना, एक बार देख लीजिए आप। हाँ अब दिख रहा है। हिंदी एक रचनात्मक भाषा है। शब्दों की रचना ध्वनियों या वर्णों के संयोग से होती है। मैंने अभी जो बात बोला, दो वर्ण या दो से अधिक वर्ण मिलाएंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? शब्द बनेगा। निश्चित अर्थ प्रकट करने वाले स्वतंत्र वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। अगर हम बोले वोटा, वोटा कोई शब्द है तो बताइए। वोटा वोटा छोटा नहीं बोल रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना लोटा वोटा लाओ, खाना वाना लाओ। तो ये वाना जो शब्द हम लोग बोल देते हैं जल्दीबाजी में, वो कोई शब्द नहीं है, यानी वो निरर्थक शब्द है। ठीक है ना, शब्द के दो भेद होते हैं ना मुख्यतः, सार्थक शब्द निरर्थक शब्द, आप आगे देखेंगे अभी। वर्णों की क्या कहाँ लगाया जाते हैं उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। आप जबरदस्ती का लगाना है तो लगा लीजिए। नाटक वाले कुछ भी यूज कर देते हैं वो अलग बात है, नाटक नहीं करने हैं ना, वो तो नाटक है। फिर वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, वर्णों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं? शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को, ठीक है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, ये कहीं भी लगा सकते हैं, कैसे भी चलेगा। शब्द भाषा की एक सार्थक इकाई है। शब्दों को साधारणतः चार आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये फिगर आप याद कर लीजिएगा, जूम तो मैंने कर रखा है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, है ना। शब्द को चार प्रकार से हम वर्गीकृत करते हैं और यही आपका इंपॉर्टेंट है, सारा कुछ यही रखा हुआ है। पहला रचना के आधार पे, इसी को हम बोलते हैं कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, व्युत्पत्ति के आधार पे। अब सोचिएगा सर उत्पत्ति और व्युत्पत्ति में क्या फर्क है, एक सवाल आता है छोटा सा कि सर उत्पत्ति और व्युत्पत्ति में क्या फर्क है। तो जैसे आपका जन्म हुआ यह हुआ उत्पत्ति, और जैसे आपने पढ़ाई की कुछ बन गए उस चीज के आधार पे, तो वो होगी आपकी रचना या व्युत्पत्ति या बनावट। क्लियर, आपकी रचना मान लिया जाए पदाधिकारी के रूप में हुई, एक रचना ही है ना आपका, एक रचना ही हो रहा है ना। या एक आप बन नहीं बोलते हैं कि बाबू बन गया है, बाबू का मतलब क्या होता है? पदाधिकारी, समझते हैं ना, बाबू बन गया। तो यहां पे बनावट आपकी कैसी हो रही है, यानी उत्पत्ति का मतलब होता है ओरिजिनल रूप में जन्म लेना, और बनावट या रचना या व्युत्पत्ति का मतलब होता है कुछ ना कुछ उसमें हेरफेर करके शब्दों को या फिर जो भी है उसमें बदलाव करके उसको बदल देना, उसको बोलते हैं व्युत्पत्ति। दोनों फर्क समझ में आ गया। चलिए, रचना के आधार पर या व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़ यौगिक योग रूढ़। अभी मैं सबका एक्सप्लेन करूंगा, व्याख्या करूंगा, सॉरी। उत्पत्ति के आधार पे यानी स्रोत या इतिहास के आधार पे, आपका इतिहास क्या रहा, आपके पूर्वज कहाँ रहे, है ना, होता है ना। तो उत्पत्ति इतिहास स्रोत, ये तीनों वर्ड याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम्स में ऐसे भी पूछे जाते हैं। तो क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, मुख्य रूप से चार ही हैं, लेकिन कभी कभी जो व्याकरण लिखने वाले जो प्रकांड विद्वान हैं वो संकर को भी मान लेते हैं, किसमें? उत्पत्ति के आधार पर, क्योंकि संकर भी एक शब्द ही है। संकर का मतलब मिला हुआ, ठीक है ना, मिला हुआ शब्द संकर, इसका एग्जाम्पल दिखाएंगे। तो मुख्य रूप से चार होते हैं, ठीक है। अगला आते हैं विकार के आधार पर। विकार के आधार पे, विकार मतलब बदलाव या परिवर्तन। जैसे आप अभी एक मनुष्य, एक सामाजिक प्राणी है, आप भी सामाजिक हैं, कल के गए मान लीजिए आप पागल बन जाते हैं,
सपोज, तो आप में क्या आ गया, विकृति आ गया, आया ना। तो विकार के आधार पे मतलब शब्दों में हेर फेर हुआ, कुछ ना कुछ ऐसा चीज हुआ जो इसको यूनिक बना दिया। रूप या प्रयोग, इसी को बोलते हैं विकार। रूप या प्रयोग के आधार पे दो भेद होते हैं, कौन कौन, विकारी और अविकारी। कल वाली क्लास याद कीजिए आप, मैंने क्या बोला था, किसी भी सार्थक शब्द के पहले अगर आप अ लगाते हैं तो क्या बनता है, नहीं का अर्थ देता है। विकारी यानी जिन शब्दों में, अगर जिन शब्दों को किसी वाक्य में हम रखें, उस वाक्य में क्रिया, लिंग, वचन, पुरुष, इनके द्वारा अगर बदलाव आता है तो उनको हम बोलेंगे विकारी शब्द। जैसे संज्ञा, संज्ञा की बात करें, रमेश संज्ञा है, तो रमेश एक लड़का है, पिताजी संज्ञा है, तो पिताजी जा रहा है कि जा रहे हैं, अब देखिए बदल गया ना वाक्य, ठीक है। अभी इसका दिखाएंगे एग्जांपल। फिर अविकारी, अविकारी का मतलब जिसमें परिवर्तन वचन, क्रिया, लिंग, पुरुष आदि के आधार पर नहीं हो, उसे क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द। इसके चार भेद होते हैं, चार भेद होते हैं मुख्य रूप से, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्च बोधक, विस्मयादि बोधक, और एक अलग से मैंने रखा है निपात। निपात शुद्ध अव्यय नहीं होता है। निपात जैसा किसी चीज पर जोर देते हैं ना, मैं ही जाऊंगा, मैं भी पढ़ूंगा, तो ये ही है, ही जो वर्ड है, मैं ही जाऊंगा, किसी शब्द पर जोर देने के लिए, मैं भी जाऊंगा, तो ये भी या ही जो शब्द है वही है निपात। अब आते हैं इधर अर्थ के आधार पर, शब्द के अर्थ निकालिए यानी मीनिंग निकालिए। तो इसके आधार पर यहां पे दो भेद मुख्य रूप से हैं, पहला सार्थक और दूसरा कौन सा, निरर्थक। निरर्थक मतलब जिसका कोई अर्थ ना निकले। सार्थक के होते हैं मुख्य रूप से चार भेद, ठीक। पहला एकार्थी शब्द जिसके एक ही अर्थ निकले, दूसरा है अनेकार्थी जिसके अनेक अर्थ निकले, एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलेंगे, ठीक है। पर्यायवाची शब्द मतलब एक समान शब्द, जैसे मैं बोलूं अगर सूर्य, सूर्य को क्या क्या बोलते हैं पर्यायवाची, सूर्य का पर्यायवाची बताइए आप, प्रभास, प्रभाकर, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, रवि बोलते हैं ना, तो ये क्या है, पर्यायवाची शब्द है। उसी तरह आग का, अग्नि, पावन, अनल, अनल नहीं, हाँ ठीक है, अनल, कृषाणु, हुताशन वगैरह वगैरह है ना, है ना। विलोम शब्द किसको बोलते हैं, उल्टा, विपरीत, जैसे एक आध एग्जाम्पल दीजिए, बड़ा का छोटा, दिन का रात, कुछ भी बोल दीजिए, है ना। चलिए यहां तक समझ में आया, तो ये डिवीजन किया गया है, अब आगे देखेंगे हम। अब ये देखिए एक एक करके हम समझते हैं, ध्यानपूर्वक देखते जाइए इधर। पहला है रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद, तीन भेद। पहला भेद है रूढ़ शब्द। अब देखिए कभी कभी सुने होंगे ना कि बड़ा रूढ़िवादी विचारधारा का इंसान है, सुना है आपने कि ये व्यक्ति बड़े रूढ़िवादी विचारधारा के हैं, मतलब अपनी बात पे अड़े रहना, किसी की बात ही नहीं सुनना। ये शब्द निश्चित तथा सामान्य अर्थ का बोध कराते हैं। ये शब्द पारंपरिक होते हैं, मतलब ट्रेडिशनल होते हैं, पुराने टाइम से चले आ रहे होते हैं। इनको खंडित नहीं किया जा सकता, जैसे नाक, जल, कुर्सी, किताब, इनको खंडित कर सकते हैं क्या, नाक में ना अलग निकालिए, क अलग निकालिए तो मीनिंग निकलेगा क्या। जूम तो किया है मैंने, अब कितने जूम करूं, चलिए जूम कर दिया, अब तो दिख रही होंगी ना। अब इसके बाद पीडीएफ आएगा, डोंट वरी, बस यही था लास्ट। इसके बाद तो सारे आपके पीडीएफ बने हुए हैं, पीडीएफ बोल रहा हूँ मैं, पीपीटी में बने हुए हैं, आपको आसानी से दिखेंगे, बस यही है मेरा लिखा हुआ। ये शब्द पारंपरिक होते हैं और इनको खंडित नहीं किया जा सकता, जैसे बता दिया मैंने। तो रूढ़िवादी व्यक्ति को खंडित कर सकते हैं क्या आप, उनकी बातों को तोड़ सकते हैं, तो रूढ़ शब्द में यही याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा यौगिक शब्द, दो या दो से, यौगिक का मतलब क्या होता है, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, योग से ही बना है क्या यौगिक। दो या दो से अधिक शब्दों की योग से बने शब्दों को हम क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द, ठीक। जैसे हिमालय, हिम जोड़ आलय, आलय मतलब होता है घर, हिम मतलब होता है बर्फ, यानी बर्फ के घर को बोलते हैं हिमालय। पाठशाला, पाठ जोड़ साला, पाठ मतलब पढ़ना, साला मतलब निवास स्थल जहां पर आप रहते हैं, साला मतलब, ठीक है ना। तो ये क्या है, यौगिक शब्द। यौगिक शब्द में हमेशा याद रखिएगा कि संधि विच्छेद हो सकता है, आप चीजों को तोड़ सकते हैं, ठीक। अगला है योगरूढ़ शब्द, यानी तीसरा, ऐसे शब्द, ध्यान दीजिए, एक समास है, समास के कितने भेद, छह भेद, एक है आपका बहुव्रीही, समास में लड़ाई कराता है बहुव्रीही,
और दूसरा कराता है आपका कर्मधारय। ये दोनों जब टकरते हैं ना तो विनाश लाते हैं। मतलब कोई एक ऐसा वर्ड रख दिया जाए जिसमें कोई क्लारिफिकेशन नहीं किया गया हो तब तो आप फंस जाएंगे कि कर्मधारय है कि बहुव्रीहि है। उसका भी तरीका मैं बता दूंगा, ऐसे ऐसे कंडीशन बता दूंगा कि कहाँ कहाँ ऐसे ऐसे आते हैं, है ना। तो ये वही बहुव्रीहि समास ही समझ लीजिए इसको, योगरूढ़ शब्द को। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने हो परंतु अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हो। जैसे मैंने भी बोला हिमालय, हिमालय क्या विशेष अर्थ का बोध कराता है? हिमालय का मतलब क्या समझते हैं? हिमालय है ना, उसका मीनिंग हो गया। मीनिंग तो नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं बोलूं लंबोदर, लंबोदर का एक मीनिंग निकलता है गणेश भगवान, सीधे बोलते हैं ना आप। तो एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दशानन, इसका मतलब होता है रावण, ठीक है, एक विशेष अर्थ आया। नीलकंठ भगवान कौन, हाँ शंकर भगवान। चारपाई, चार पहियों का समाहार, चार पहिया होते हैं चार पाई में, तो वो होता है खटिया, इसको बोलेंगे। चौराहा, चार राहों का समाहार। ये सब क्या है? बहुव्रीहि समास के एग्जाम्पल हैं सारे। तो बस एग्जाम्पल याद रख लीजिए, बहुव्रीहि वाले आपका काम बन गया योगरूढ़ शब्द, और इसमें कुछ नहीं कर, लंबोदर यानी भगवान गणेश, ठीक है आदि। अच्छा एक सवाल यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, एक चीज पूछता हूँ आप लोगों से भी और बताएंगे फटाफट। एक डाउट है मेरे मन में कई दिन से चल रहा है ना, वो बताएं जरा। कलर दिख रहा है, ठीक है। इत्यादि यहाँ पे मैंने लिखा है लास्ट में, यहाँ पे देखिए इत्यादि लिखा है ना, और कहीं कहीं आपको आदि लिखा हुआ दिखाई देता है, दोनों में क्या फर्क है क्या दोनों? ऊपर वाला सर पावरफुल वर्ड है। ऊपर वाला पावरफुल वर्ड है, पावरफुल वर्ड है। क्या है पावरफुल मतलब? हाँ जैसे किसी चीज का एक उदाहरण या दो उदाहरण पता है तो इत्यादि लगाने के बाद फिर उसके कई उदाहरण सम्मिलित हो जाते हैं। अच्छा, आदि में सर जो है, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा सा हटके है क्योंकि आपने जो एग्जांपल दिया ठीक है मैं मानता हूं, आप बता दीजिए मुझे राष्ट्रीय गीत कौन सा है, राष्ट्रीय गान कौन सा है, राष्ट्रगान कौन सा है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है, फटाक से, क्योंकि आप अभी डाउट में है थोड़ा सा। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वाह जनगणमन, देखिए सुजलाम सुफलाम कर रहे हैं आप लोग, बताइए लाइव वाले फटाफट, राष्ट्रीय गीत कौन सा है और राष्ट्रीय गान कौन सा है? वंदे मातरम लिखने से नहीं, राष्ट्रीय गीत कौन सा है, राष्ट्रीय गान कौन सा है? राष्ट्रगान जनगण, वेरी गुड। राष्ट्रगान जनगण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, वेरी गुड। आपने जो बात यहां बोला इत्यादि और आदि में, ध्यान दीजिएगा, आदि तब होगा जब जैसे हमको लिखना है संज्ञा किसी प्राणी वस्तु स्थान आदि के नाम को कहते हैं, यानी एकाद वर्ड और आएंगे, एक दो तीन वर्ड और आ सकते हैं। इत्यादि का प्रयोग वहां करते हैं जहां आपको एग्जाम्पल दुनिया भर के देने हो। जैसे मैं बोलूं संज्ञा किसी प्राणी वस्तु स्थान भाव आदि के नाम को कहते हैं, जैसे जैसे मोहन मदन हिमालय है ना, बुढ़ापा, आदि नहीं होगा वहां, इत्यादि होगा, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी चीज आएंगे। तो आदि का प्रयोग वहां होगा जहां एकाद दो चीजें और लानी है, एकाद दो एग्जाम्पल और लाने हैं, एक दो तीन या चार, है ना। लेकिन इत्यादि का प्रयोग वहां होगा जहां चलते रहेगा, चलते रहेगा। वो तो शॉर्ट किया हुआ है, निम्नलिखित बड़ा है रूप और निम्न, जैसे मैथमेटिक्स और मैथ्स शॉर्ट किया, हाँ उसमें कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, है ना, ये बातें याद रखिएगा। अब आते हैं उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद हैं शब्द के? पांच भेद। ये आपके लिए सबसे बेहद इंपॉर्टेंट है, तत्सम शब्द, यूपी पीएससी प्री मेंस या फिर आपके जितने भी एग्जाम है, यूपी के जितने भी एग्जाम है या यूपीएससी के बच्चों के लिए तो बहुत ही रामबाण है। कहिए क्यों? जब आप निबंध लेखन करेंगे ना तो इन सब वर्ड्स का अगर यूज वहां करते हैं तो बहुत प्रभावी निबंध बनता है फिर, ठीक है। चलिए एक बार पढ़ देते हैं, संस्कृत भाषा के वैसे शब्द जिसे हम जो का त्यों लिए हैं, है ना, जो का त्यों प्रयोग में लाते हैं तत्सम कहलाते हैं, ठीक। और तद्भव किसको बोलते हैं? इसी का परिवर्तित रूप हिंदी में लाया गया है। अब देखिए अश्रु, अश्रु का मतलब क्या होता है? आंसू, आंसू हिंदी शब्द है, अश्रु क्या है? संस्कृत शब्द है। अग्नि, जैसे देखिएगा कभी भी
कभी भी जो पूजा पाठ होते हैं ना उस समय आग नहीं बोला जाता है, अग्नि लाओ या अग्नि हवन कुंड, हवन कुंड बनाए उसमें अग्नि प्रज्वलित कीजिए, प्रज्वलित कीजिए, लगाइए मत। आजकल क्या बोलते हैं, आग लगा दो। आग लगाने का मतलब कुछ दूसरा ही मीनिंग होता है ना। एक कहावत है बहुत बढ़िया कि किसी का घर जले कोई तापे, किसी का घर जले कोई तापे, इसका मीनिंग क्या हुआ? किसी का घर जल रहा है और बड़े अच्छे से मजा आ रहा है, बहुत ठंड लग रही थी, बड़ा अच्छा लग रहा है, उसके घर को तो बुझा दो। तो ये बातें हैं। खैर, घृत, घृत मतलब होता है घी, घी, ग्राम मतलब गांव। इसी तरह बाकी आपका नयान, यज्ञोपवीत, ये क्या है? तत्सम शब्द। अभी तत्सम शब्द का मैं एक लिस्ट दिखा दूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट तत्सम शब्द रखे गए हैं। यहां से एक क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए, इस बार पूछे गए हैं। आर आरओ यारों में 10 क्वेश्चन आते हैं, तब तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़िया से देखिए, फिर मैं एकदम छांट के लिख दिया हूं तत्सम तद्भव, आगे दिखेगा आपको। चलिए दूसरा आते हैं, दोनों से आते, ठीक है ना, उसके बाद तो फिर विदेशज से भी आ जाते हैं। आप ही के एग्जाम में विदेशज शब्द भी आए हैं। चलिए मैं दिखाता हूं कौन सा आया है, मैं बता दूंगा आपको। तद्भव शब्द, इसका मतलब क्या होता है? उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। ठीक है, संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग में लाए गए हो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अश्रु से आंसू, तो आंसू क्या हो गया? आंसू क्या हो गया? तद्भव। ये आंसू तद्भव हुआ है ना, आंसू तद्भव हुआ। फिर अग्नि से आग, आग तद्भव हुआ। घृत से घी, ये घी क्या हुआ? तद्भव हुआ। ठीक है, तो तत्सम तद्भव समझ गए। अभी एक लिस्टिंग दिखाता हूं मैं आगे। खैर चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए यहां पे लिस्ट लगाया हुआ है, मैं इसको जूम कर देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं, है ना, या फिर मैं एक बार पढ़ के बता दूंगा थोड़ा, ताकि आपको चीजें याद भी रहे। लिखने में तो टाइम लगेगा ना, लिखेंगे लिखेंगे। स्पीड है आपकी लिखने की? आज चेक कर लें स्पीड, आप लोग भी लाइव वाले बैठ के लिखिए, तो मैं देखता हूँ स्पीड चेक कर लेता हूँ कि आपके मेंस आंसर राइटिंग के स्पीड क्या हैं, है ना। चलिए लिखिए, प्रमुख तत्सम और तद्भव शब्द। ठीक है, एक तरफ तत्सम कर लीजिए जैसे यहाँ पे किया हुआ है, एक तरफ तत्सम और एक तरफ कर लीजिए तद्भव। फटाफट लिखिएगा, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलूँगा। आपने लिखने के लिए 2 मिनट लिखिए ना, फिर मैं स्पीड भी चेक कर लूं ताकि आपको पता चले कि हाँ स्पीड कितनी है, है ना। चलिए, अश्रु तत्सम में अश्रु का लिखिए आंसू, अश्रु का आंसू। दूसरा आम्र का आम, मैं बोल रहा हूं सुनते रहिए लिखते रहिए। अग्नि आग, अंध अंधा, अंधकार अंधियारा, ओष्ठ ओट, अक्षर अक्षर, अच्छा संयुक्त र अक्षर, अंगुली अंगुरी, अच्छी आंख, अक्षी संयुक्त छ लिखिएगा ना, अक्षी का आंख, अश्रु आंसू हो गया, उज्जवल। अब देखिए उज्जवल लिखने में फंस जाएंगे कई लोग, उज्जवल, उज्जवल का लिखिए उजला, उलूक, उलूक का लिखिए उल्लू, उष्ट्र, उष्ट्र का लिखिए ऊंट, कपोत, कपोत का लिखिए कबूतर, कोकिल इसका लिखिए कोयल, कर्ण लिखिए कान, काक, काक का लिखिए कौवा, कुमार, कुमार का लिखिए कुमारा, कृष्ण किशन, ग्राम का लिखिए गांव, घृणा इसका लिखिए घिन, गर्धब इसका लिखिए गधा, गृह इसका लिखिए घर, घृत इसका लिखिए घी, क्षेत्र संयुक्त छ, क्षेत्र इसका लिखिए खेत। बताइए जरा स्पीड अपनी अपनी, सारे लिख पाए या छूट गए? सारे लिख पाए? इसमें से एक शब्द मैं बता देता हूं कौन सा आपके एग्जाम्स में यूपी पीएससी प्री में पूछे गए हैं, इसमें है नहीं है, अच्छा एक और पेज होगा उसमें होगा। बच्चा का पूछा गया था तत्सम, क्या होगा बच्चा का तत्सम? ये पूछे गए प्रश्न है यूपीपीएससी प्री एग्जाम में पहले। बालक, बालक कैसे होगा? बच्चा का होगा वत्स, नहीं बोलते वत्स, पुत्र कैसे हो जाएगा? बालक पुत्र होता है थोड़े। तो ये है आपके समक्ष, ये मैं पढ़ दूं या फिर
पढ़ देता हूँ एक बार, है ना, आपने तो लिखा होगा। वेरी गुड विनय प्रताप, वेरी गुड वत्स, वाह क्या बात है। एक और है प्रयाग, कौन है इनका, है आदित्य वत्स, वाह वेरी गुड। प्रज्ञा राय, वाह वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्र चांद, इसको मैं एक बार रिपीट कर दूं, है तो काफी शब्द। चंद्र चांद, उसके बाद सारे आपने लिख लिए, ईमानदारी दिखाइए। नहीं लिख पाए, पढ़ दीजिए सर, सब लिखे हैं। अच्छा सब लिखे हैं, तो एक बार चलिए रिपीट कर देते हैं फटाफट, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए लिखिए, चंद्र चांद लिखिए, लिखिए फटाफट लिखिए। चटका चिड़िया, ज्येष्ठ जेठ, दधी दही, धान्य धान, धूम्र धुआं, धैर्य धीरज, पत्र पत्ता, पौष पूस, भल्लुक भालू, स्वसूर ससुर, पक्षी पंछी, हास्य हंसी, शिक्षा सीख, इष्टिका, देखिए इष्टिका ऐसे लिखा हुआ, देख लीजिए एक बार, मूर्धन्य शाह ट संयुक्त हर्षिकार, है ना, छोटी वाली ई, इष्टिका ईट, सरकरा शक्कर, कज्जल काजल, दुर्बल दुबला, भिक्षा भीख, ताम्र तांबा, नव्य नया, प्रस्तर पत्थर, लिखिए लिखिए फटाफट लिखिए, पात्र पोता, मृत्यु मौत, श्रृंगाल सियार, हो गया, कहाँ हो गया, अभी अभी तो बाकी है इधर, अभी रुक जाइए थोड़ा बोल ही देता हूँ मैं जब इतना बोला तो। फिर देखिए श्वास सांस, फटाफट लिखिए ना हो जाएगा, श्यामल सांवला। अब देखिए श्वश्रु का मतलब होता है सास, श्वश्रु का मतलब होता है सास, सरकरा शक्कर, मस्तक माथा, हरिद्रा हल्दी, प्रिय पिया, मृतिका मिट्टी, शुष्क सूखा, क्षीर खीर, पक्ष पंख, अंगुष्ठ अंगूठा, भ्रात्री भ्रात्री भाई, श्रावण श्यावन, निद्रा नींद, पीत पिल्ला, पीत क्रांति है ना वही पीला, रात्रि रात, बधिर बहरा, मित्र मीत, सत तलब शत सत सौ, सिर 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 में फर्क है, तलब श हर्षी र, सूर्य सूरज, सूचिका सुई, स्नेह नेह, सौभाग्य सुहाग, हृदय ही। इम्पॉर्टेंट सारे छांट के ही मैंने रखे हैं, इतने आपको याद कर लेने हैं, है ना, स्क्रीनशॉट लेने हैं तो एक तो छोटा हो गया ले सकते हैं, बाकी जूम करके देख लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट फटाफट। पीत मतलब पीला, नहीं खींचता है, अच्छा नहीं खींचता है, चटका नया सीखने को मिला, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं आप, क्या बोल रहे हैं, हाँ कलर पीला, पीत नहीं बोलते, पीत क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन उत्पादन है ना, पढ़ते हैं ना पीत क्रांति या पीला क्रांति, बात एक ही है। चलिए आगे बढ़े, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी है, अब इसी में एक क्वेश्चन पूछा गया है आपका, मैं दिखा देता हूँ कौन सा पूछा गया था, इसको थोड़ा और जूम आउट कर लूँ ये। चलिए फटाफट मैं पढ़ देता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं है, अब हो गया है लगभग। हस्त हाथ, अम्बा अम्मा, अब देखिए अम्मा को क्या बोलते हैं, अम्बा, कार्य काज, जिह्वा जीभ, चूर्ण चूना, सायम साम, त्वरित तुरंत, चटका चिड़िया, ये तो हो चुका था, सत्य सच, धरित्री धरती, वायु को बोलते हैं बयार, ओके वायु को बयार, एक बार रट भी लीजिए ना, ये तो आपको याद भी करने हैं, उच्च ऊंचा, दधी दही। इधर आते हैं फाल्गुन फागुन, दंत दांत, वत्स बच्चा, देखिए ये पूछा गया आपके एग्जाम्स में, ठीक है ये पूछा गया है वत्स बच्चा, पद पद का मतलब पैर, मैंने कल पढ़ाया था पाद बिंदु, मैंने बोला था ना कि नीचे होता है ना, पृष्ठ पीठ,
स्क्रीनशॉट हो रहा है तो कर लीजिए ना स्क्रीनशॉट, मैं अभी दिखा देता हूँ एक बार कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट, मैं टाइम देता हूँ। पृष्ठ पीठ वानर बंदर, स्वर्ण सोना, मयूर मोर, स्वप्न सोना। अब देखिए स्वप्न को बोलते हैं सोना, सोना मतलब ये वाला स्लीपिंग वाला, वो गोल्ड वाला मत ले लीजिएगा। हास हंसी, दुग्ध दूध, सर्प सांप, पूर्णिमा इसको बोलते हैं पूनम, है ना, पूनम की रात बोलते हैं। सर्व सब, अब इधर आते हैं लास्ट, घृत घी, गिद्ध गिद्ध ऐसे लिखा हुआ है गिद्ध, चरित्र अब होता है चरित्र, रामचरित मानस, है ना, रामचरित मानस में कौन सा होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, याद रखिएगा। जौ वा, जौ को बोलते हैं जौ, श्रृंगार सिंगार, मक्षिका मक्खी, मनुष्य मानुष या मनुख, इसको क्या बोलते हैं मानुष या मनुख, आप सभी क्या है मनुख या मानुष, विद्युत बिजली, हस्ती या हस्तिन हाथी, भगिनी बहन, भ्रमर भौरा, लोमस लोमड़ी, सुपुत्र सपूत, राष्ट्र राज्य। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा करके रख देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाएँ। चलिए स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, बढ़ूँ आगे। अब आइए, अब देखिए देशज शब्द है या देसी, इसी को बोलते हैं देशज या देसी शब्द, है ना, तो इसको देखेंगे अब हम देशज या देसी शब्द। देखिए एक बार क्या कीजिएगा ना, जितना भी मैंने अभी बोला आप एक बार रिपीट कीजिएगा, आपको याद जरूर होने चाहिए, तत्सम तद्भव, एक दो बार पढ़िएगा याद हो जाएगा, तरीके से एकाग्र होकर पढ़िएगा तो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। देशज या देसी शब्द, अब देशज शब्द यानी अपने ही देश में विकसित शब्द को क्या बोलते हैं, देशज शब्द बोलते हैं, यानी अपने ही देश में बने भाषाओं से जो शब्द बनते हैं देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खाट, अब खाट कोई शब्द यहाँ का है, हमारे यहाँ का बना हुआ है। लोटा थैला, भिंडी लुंगी, केला डोसा, इडली, तांबुल, तांबुल मतलब क्या होता है, मतलब पान का पत्ता, तांबुल, रोटी, ठेठ नहीं बोलते हैं, ठेठ है ऐसे, है ना, पैसा, जूता, पगड़ी इत्यादि। ठीक है, इसके बाद बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। विदेशी या आगत शब्द, आगत मतलब होता है आने वाला या जो बाहर से आ रहा है, आगत बोलते हैं। विदेशी शब्द, जो शब्द विदेश में जन्मे हो अर्थात दूसरे देश की भाषाएं जो हिंदी में स्वीकार की गई हो या प्रचलन में हो, उनको क्या बोलते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं या विदेशी शब्द कहते हैं। अब अंग्रेजी से कौन कौन शब्द लिए गए हैं वो देख लीजिए। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, आपके एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं वो ये है, आल्पिन किस भाषा से लिए गए हैं, पुर्तगाली, ये पूछा गया आपके एग्जाम्स में यूपीपीएससी में, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जब खोलिएगा तो ये मिलेगा, आल्पिन किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मैंने यहाँ इंपॉर्टेंट छांट के कुछ लिख दिए हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लिखा दें तो लिखिए फटाफट, स्क्रीन शॉट ले लीजिए ना। चलिए ध्यान दीजिए, अब अंग्रेजी से स्टेशन, अंग्रेजी से, अंग्रेज ट्रेन चलाए थे ना, तो बस स्टेशन याद रखिए। अफसर, इंजन, कोर्ट, कर्फ्यू, गैस, रेल, रेडियो, नर्स, स्कूल, पार्टी, डायरी, मिनिस्टर, मास्टर, पुलिस इत्यादि, ये अंग्रेजी से लिए गए विदेशज शब्द हैं। अब देखिए अरबी फारसी शब्द, ठीक है, अमीर अरबी फारसी, ठीक है, अमीर, मेहनत, सुबह, कागज, किताब। अब देखिए किताब जब आप पढ़ते हैं, किताब कहाँ से लिया गया, अरबी फारसी शब्द है किताब, याद रखिएगा। कानून, खून, ब्लड, खून वही, कैंची, तरीका, तारीख, हजार, गरीब, तोप, चाकू। अब सोचिए गरीब, अब आप सोचेंगे गरीब तो सर भारत का है, सब शब्द बाहर से आए, जैसे हिंदी शब्द कहाँ की है, हिंदी भाषा में जो हिंदी शब्द जो लिया गया, हिंदी वर्ड नहीं, कल तो शुरू दिन तो मैंने बताया था ना, फारसी शब्द है ना, भूल जाते हैं आप लोग। गरीब, तोप, चाकू, जहाज, जिला, दरोगा, बगीचा, जमीन, शादी, आदमी, चम्मच, कालीन इत्यादि, ये सब है अरबी फारसी शब्द। अब देखिए चीनी शब्द यानी चाइना से, ये चाय, आपको एक चीज बता दे चलूं, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है, चाइना, लेकिन अगर पूछे काली चाय,
ब्लैक टी, ब्लैक टी, टी के भी तो कई रूप है ना, तो वो भारत होगा। चाय, चीनी, लीची, तूफान इत्यादि, ये सब चीनी वर्ड है, मतलब चाइनीज। ओके, फ्रांसीसी, अंग्रेज, कारतूस, कर्फ्यू, इंजन, ये कहाँ के हैं, तो फ्रांसीसी। अब पुर्तगाली सब देखिए, आल्पीन, कप्तान, संतरा, बाल्टी, साबुन, कमरा, गमला, काजू, पिस्तौल, तंबाकू, गोदाम इत्यादि। तंबाकू कौन लेके आया था यहाँ भारत में? आलू लाए थे। अच्छा चलिए अब अगला आते हैं, इनको देख लेते हैं। देखिए अगला, इधर ध्यान दीजिए, संकर शब्द। अब संकर शब्द ध्यान दीजिए, होता क्या है संकर शब्द? मैंने आपको क्या बताया, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये चार बता दिया आपको, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। पांचवा एक मैंने बोला था संकर शब्द, जो जो वैसे शब्द जो दो भाषाओं के मिश्रण से बने हो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे ध्यान दीजिए, इधर बोलते ना रफु चक्कर हो गया, मेरे पर्स छीन के वो तो रफू चक्कर हो गया। अब देखिए रफू जो वर्ड है वो फारसी का है, चक्कर जो शब्द है वो हिंदी का है, समझ रहे हैं? तो ये दो भाषा मतलब दो देशों के शब्दों को मिला के रफू चक्कर बना, तो इसको संकर शब्द कहते हैं। ठीक, रेल गाड़ी, रेल अलग, गाड़ी अलग, रेल अंग्रेजी है, गाड़ी हिंदी है। जांच करता, जांच हिंदी है, करता संस्कृत वर्ड है ना, करता मतलब करने वाला। छायादार, छाया संस्कृत शब्द है, दार फारसी शब्द है, तो इन शब्दों को क्या बोलते हैं, संकर शब्द। डरना नहीं है, ये एग्जाम्स में आमतौर पे नहीं पूछे जाते हैं, है ना, खैर याद कर लेने हैं, क्या पता कभी आयोग का मूड चेंज हो पूछ दिया। चलिए अगले आते हैं, तीन नंबर, विकार रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद, दो, पहला विकारी शब्द और दूसरा अविकारी शब्द। अब देखिए विकारी शब्द में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, विकारी शब्द में मुख्य रूप से आपको ध्यान दीजिए, वैसे शब्द मुख्य रूप से तो चार पढ़ने हैं आपको, मुख्य रूप से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, मुख्य रूप से चार। अब ध्यान दीजिए, वैसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण यानी बदलाव हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहता है, कहते हैं। जैसे बच्चा आया, बच्चा क्या है, संज्ञा है, बच्चा संज्ञा, अभी संज्ञा पढ़ाएंगे, टेंशन ना ले। अब यहां इसमें हम चेंज करेंगे, बच्चे कर देंगे, तो देखिए आया के आय हो जाएंगे, यानी बहुवचन हो गए, बच्चा आया, ये एक वचन में है। जैसे ही मैं बच्चा को बच्चे किया, बहुवचन क्या, ये भी बहुवचन हो गया, बदलाव आया ना। चलिए खैर, श्याम के लिए सेव लाओ, अब श्याम के जगह में उन लोगों, बहुवचन बना, उन लोगों के लिए सेव लाओ, है ना। चलिए खैर, विकारी शब्द के चार भेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यहां पर लिखा हुआ है। अविकारी शब्द, अब आते हैं अविकारी में, वाक्य में, वाक्य में प्रयोग होने वाले जिन शब्दों का रूप नहीं बदलता है वचन, कारक, लिंग आदि के आधार पर, उन्हें क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द कितने हैं, तो चार हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब अविकारी शब्दों की एग्जाम्पल कौन है, धीरे धीरे आप कहीं भी किसी भी वाक्य में धीरे धीरे को लगा के देखिए, चेंज ही नहीं होगा, वो धीरा धीरा नहीं हो सकता है, धीरो धीरो नहीं हो सकता है, वो धीरे धीरे ही रहेगा। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, जो, आप जो को कहीं भी रख दीजिए, जो को जा, जे, ऐसे नहीं हो सकता है, वो जो ही रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसमें विकार यानी परिवर्तन नहीं हो सकता है। आज, आहा, और, कल, वाह, यहाँ इत्यादि शब्द क्या है, क्या है, ये सब क्या है, अविकारी शब्द। अविकारी के चार भेद मैंने बता दिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, बस इतने ही थे। अब आते हैं इनके बाद हम पढ़ेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक बार मैं फिर से इसको जूम आउट करता हूँ, क्योंकि यहाँ तक तो आपका क्लियर हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे क्या, यहाँ तक तो आपका क्लियर हो चुका है, संकर शब्द तक तो क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं, लास्ट में पूछ लीजिएगा, अगर डाउट है तो पूछ भी लीजिए, है ना। वैसे लास्ट में मैं टाइम देता हूँ डाउट पूछने का, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। विकार रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद, विकारी और अविकारी। और अब हम पढ़ेंगे अव्यय, हाँ अव्यय को ही अविकारी शब्द बोलते हैं, ठीक है ना, अव्यय को ही अविकारी शब्द बोलते हैं, जिन्होंने पूछा है ना, अव्यय अविकारी एक ही चीज है, ठीक है। चलिए
आगे बढ़े। तो विकार या रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द के जो दो भेद हैं, इसमें पहले हम पढ़ेंगे विकारी शब्द। विकारी शब्द के कितने भेद? चार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो चलिए पहले विकारी पढ़ते हैं, फिर अविकारी देखेंगे। तो चलिए इसके लिए चलते हैं हम अब आते हैं पहला टॉपिक, संज्ञा। ओके, संज्ञा अब तो दिख रहा होगा साफ साफ, अब तो कोई टेंशन नहीं होगा इन लोगों को। एक बार और जूम आउट कर दूं मैं इसको थोड़ा और, ताकि आपको और अच्छे से दिखे संज्ञा। चलिए देख लीजिए संज्ञा, दर्शन कर लीजिए संज्ञा के, है ना। संज्ञा किसे कहते हैं? बचपन से पढ़ते हैं संज्ञा, बताइए। ये जो है मेरे हाथ में, क्या ये संज्ञा है? संज्ञा है पक्का? चलिए वेरी गुड। एक लाइन में अगर मुझे कहना हो, संज्ञा नाम को कहते हैं। संज्ञा नाम को कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ रहे हैं किसके भेद, किसके भेद पढ़ रहे हैं? संज्ञा तो बाद में पढ़ेंगे, संज्ञा के भेद हम पढ़ रहे हैं। विकारी शब्द के चार भेद। विकारी में पहला है आपका संज्ञा। आराम से समझिए, आज संज्ञा समझ लेना है, ऐसा समझना है कि फिर जिंदगी में कभी नहीं भूलें। डाउट हो, प्रॉब्लम हो, पूछते रहना है, बीच में भी पूछ सकते हैं, लास्ट में भी पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी प्राणी, प्राणी किसको बोलते हैं जिसमें जीव हो, जान हो, मतलब हाँ जान हो, जो चलता हो, जान हो। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, भाव मतलब फीलिंग्स आदि का नाम ही संज्ञा कहलाता है, ठीक। दूसरे शब्दों में किसी का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है, मैंने अभी वही बात बोला। तथा इस नाम से ही उसे पहचाना जाता है। आप इसको कैसे जान गए? कुछ ना कुछ तो नाम होगा, तभी तो जानते हैं। मैं आपके समक्ष कोई ऐसा चीज लाऊं अनोखा, जिसके जो कभी ना आप देखा हो, आपने ना सुना हो, कैसे संज्ञा कह दीजिएगा? कह दीजिएगा तब तो नहीं कहेंगे ना। तो इसका मतलब उसका कोई ना कोई नाम होना चाहिए, तभी वो संज्ञा होगा, ठीक है ना। चलिए, भाषा का प्रयोग संज्ञा के बिना तो संभव है ही नहीं, क्योंकि नाम के बिना तो कुछ कर ही नहीं सकते आप। अच्छा एक बात बताइए, संज्ञा संबंधित चीजें मैं बता देता हूं। आपका यूज, आपका प्रयोग भारत सरकार करेगी? करेगी ना, ऑफकोर्स करेगी। तो आपका प्रयोग जब भारत सरकार करेगी, आपका कोई नाम ही नहीं है, तो कर पाएगी क्या? नहीं। आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड और जॉब कार्ड बनेगा ना, जॉब कार्ड, जब जॉब में जाएंगे तो एक नाम के आधार पर भी बनेगा। यानी भाषा का प्रयोग, हिंदी भाषा का प्रयोग संज्ञा के बिना पॉसिबल नहीं है। संज्ञा पांच प्रकार के होते हैं, कौन कौन देख लीजिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे संज्ञा तो तीन प्रकार के पढ़े हैं, वो भी मैं बता देता हूँ तीन प्रकार के कैसे होते हैं, है ना। पहला व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में प्रॉपर नाउन, इसको बोलते हैं। जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन, इसको भाववाचक को, एक बार लिख दूं क्या सुविधा, वैसे लिखा होगा कहीं हिंदी में, ठीक है, बाकी तो समझने वाले समझ जाएंगे, मैं बोलते जाऊंगा समझ जाएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या बोलेंगे? प्रॉपर। जातिवाचक कॉमन, भाववाचक एब्स्ट्रैक्ट, द्रववाचक मटेरियल नाउन और समूहवाचक कलेक्टिव नाउन, यह आपने भी पढ़ा होगा। चलिए अब आते हैं पहला, है ना, संज्ञा के पांच भेद। अब कहेंगे सर संज्ञा के तीन भेद नहीं बताए आपने, तो पहला तो एक भाववाचक को हटा दीजिए, अलग, बिल्कुल डिफरेंस, ये हो गया अलग। जातिवाचक में आप रख सकते हैं समूह और द्रव्य को, जातिवाचक के अंदर रख दिया, तो एक तो हो गया आपका, कहां गया, एक तो हो गया भाववाचक, एक हो गया आपका व्यक्तिवाचक अलग, और एक जातिवाचक। जातिवाचक के दो भेद रख दीजिए, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ऐसे रख दिए जाते हैं आमतौर पे। तो संज्ञा के तीन भेद भी कर सकते हैं आप, आमतौर पे पांच भेद ही बताना है आपको। दशरथ के कितने पुत्र? पांच, चार पुत्र, इसी को बोलते हैं प्रेजेंट ऑफ माइंड्स, माइंड है सॉरी, प्रेजेंट एकदम रहिए यहाँ पे, क्या पूछा जाए, इंटरव्यू में गए कुछ और पूछ दिया जाए इंटरव्यू में। अच्छा एक बात बताइए, जैसे आपसे पूछा जाए क्वेश्चन ये कि आपने यहाँ आने तक कितने किलोमीटर दूरी तय की, क्या बोलेंगे? एक बार हमसे पूछा गया यही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में, बोर्ड के मेंबर बड़े अच्छे थे, लेकिन पूछा उन्होंने कि जहाँ से आप आए हैं झारखंड से यहाँ तक कलकत्ता तक आने में कितने किलोमीटर दूरी आपने की, मैंने फटाक से बोली 483 किलोमीटर, अंदाज में ही मार दिया तीर, जबकि 483 तो थे नहीं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपका, देखा जाता है कि मैंने बोल दिया कि क्या पता उनको, दूरी थोड़े माप के बैठे, और माप के बैठे तो बोले सर भूल गए। तो ऐसे दिमाग यहाँ रखिए,
दशरथ के 5 बेटे नहीं करने, 4 ही हैं। जो किसी विशेष स्थान, वस्तु, व्यक्ति आदि का बोध कराता हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कराता है। अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूं सबको पहचानने का तरीका, यहीं पर दिखाता हूं ताकि आपको चीजें आगे आराम से समझ में आ जाए और आप लोग भी देखते रहिएगा ध्यानपूर्वक, है ना। पहला व्यक्तिवाचक पूछा है ना, व्यक्तिवाचक पूछ रहा है ना, व्यक्तिवाचक। इन सबको मैं यही समझा देता हूं, यही निपटा देते हैं, बाद में तो डिफिनेशन है केवल, यही निपटा के चलते हैं। जब भी व्यक्तिवाचक पूछा जाएगा आप एक क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, कौन। जैसे अगर मैं बोलूं हिमालय, अगर मैं बोलूं राम, राम भगवान, मतलब राम जी मैंने लिख दिया यहां पे, ठीक है। अगर मैं बोलूं एक पुस्तक का नाम बताइए, कोई भी, बाइबिल लिख दिया, बाइबिल, ओके। और भी बहुत सारी चीज हो सकते हैं, जैसे मैं लिख दूं यही दिल्ली, दिल्ली। एक क्वेश्चन मार्क लगाने हैं कौन, जो भी शब्द आए आपको समझ में आ जाएगा कि व्यक्तिवाचक है कि जातिवाचक। और आमतौर पर जातिवाचक व्यक्तिवाचक में कुछ कुछ लोग फंस जाते हैं। आप लगाइए कौन हिमालय कह सकते हैं क्या, तो जहां पे कौन हिमालय नहीं कह सकते दैट मीन्स वो पक्का व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है, पक्का क्या होगा। चलिए भाई गीता भी ले लेते हैं, गीता, कौन गीता पूछेंगे आप, कहेंगे नहीं कहेंगे ना। गीता एक पार्टिकुलर, एक खास पुस्तक का नाम है, धार्मिक पुस्तक। बाइबिल एक खास धार्मिक पुस्तक का नाम है, राम जी एक खास व्यक्ति का नाम है, हिमालय एक खास जगह का नाम है, दिल्ली एक खास जगह का नाम है। खास जगह, खास स्थान, खास व्यक्ति को क्या बोलेंगे हम, व्यक्तिवाचक। पहचानने का मैं तरीका बता दिया, कौन वर्ड लगाइए, कौन राम जी कह सकते हैं क्या नहीं। अब बोले श्याम, कौन श्याम, श्याम एक ही है, श्याम एक ही है, जनसंख्या बढ़ी, नाम सब रख दे रहे हैं एक दूसरे को देख के, है ना। अब सचिन तेंदुलकर बेटे का नाम रख लीजिए आप। अब आप जैसे मान लिया शादी ब्याह कर लिए, बेटा हुआ तो सचिन तेंदुलकर रख दिए, सचिन तेंदुलकर तो एक ही है ना, जैसे क्रिकेट का भगवान कहते हैं। नाम तो आप बढ़ा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, आप नाम बढ़ा दिए, लेकिन नाम प्रॉपर एक ही है, ठीक। तो आप कौन लगाएंगे, अगर आपका उत्तर या फिर क्वेश्चन ही नहीं बने तो समझ लीजिएगा कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक की बात करते हैं, अब अपने मन से कोई क्वेश्चन मत लगाइए, अब कैसा, कब, कहाँ, ये किसने बोला लगाने के लिए, कैसा मतलब है, अपने मन से थोड़े लगाने, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, अपने मन से नहीं लगाने, मैं जो बात बता रहा हूँ वही लगाने हैं, है ना। अब गाड़ी में दी है, गाड़ी में आपको बाइक में चाबी लगाने के लिए दिया गया, आ गया, अब टायर में लगाएंगे तो थोड़े खुलेगा, समझ रहे हैं। अब आते हैं जातिवाचक, जिससे किसी जाति का बोध हो, मतलब ये दिखाएगा आपको, जैसे मैं बोलूं महिला, महिला, बच्चा, ठीक है, बच्चा, और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे पर्वत इत्यादि ले लिया मैं एग्जांपल पे। अब यहाँ पे लगे कौन महिला, क्वेश्चन आसानी से लग जा रहे हैं, आपको पता नहीं है कौन महिला, हाँ क्वेश्चन यहाँ ठीक से लग जा रहे हैं, कौन महिला, लड़का, चलिए बच्चा लड़का ही ले लिया मैं, लड़का, है ना, लड़का। अच्छा बताइए कुरान किस में होगा, इसी में होगा कुरान, है ना, कुरान, मतलब कौन कुरान नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं महिला, कौन महिला, तो आप कहेंगे सर पता नहीं, यानी ये कॉमन है, सभी में होगा। नदी, नदी, कौन नदी, कौन नदी, पता है नहीं, लेकिन अगर मैं यहां पे लिख दूं गंगा, आप कहिए तो कौन गंगा, फंस जाएंगे। तो जहां फंसेंगे वो होगा व्यक्तिवाचक, जहां नहीं फंसेंगे आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे वो होगा जातिवाचक। एंसर मत ढूंढिएगा केवल, ये खासा ध्यान रखिएगा कि कौन महिला, आंसर तो मिल ही नहीं रहा है तो फिर व्यक्तिवाचक ऐसे मत कीजिएगा। कौन महिला आसानी से प्रश्न कर सकते हैं, दैट मीन्स ये क्या होगा जातिवाचक। कौन बच्चा, कौन पर्वत, तो एक 1000 तरह के पर्वत हैं, बताइए अपशिष्ट पर्वत है, अभ्रंश पर्वत है ना, कौन सा पर्वत है। समुद्र, कौन समुद्र, नहीं पता, लेकिन कह दे हिंद महासागर, तब तो फंस जाएंगे आप। अब समझ में आया कौन पर्वत, कौन लड़का, ये आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, मतलब एक जाति बता रहा है इनका, ठीक। अब आते हैं भाववाचक, भाववाचक को लास्ट में समझाएंगे, पहले इन दोनों को समझ लीजिए। समूह का मतलब तो पता है आपको, दो से अधिक व्यक्ति हो सकता है, जगह कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूं एक दर्जन केला, एक दर्जन केला क्या होगा, समूहवाचक। मैं बोलूं भीड़, मैं बोलूं आयोग, कौन सा आयोग है आपका, UPSC आयोग, मैं बोलूंगा केवल आयोग। झुंड, झुंड, हाट, बाजार,
ये बाजार, ये सब क्या होगा? सेना, सेना, सेना मतलब आर्मी होती है। सेना में एक व्यक्ति नहीं होता, एक व्यक्ति होगा तो या तो उसको आप कॉन्स्टेबल बोलिएगा, या तो उसको कर्नल बोलिएगा, मेजर बोलिएगा, एक व्यक्ति को। जैसे मान लीजिए मैं सेना का एक पदाधिकारी हूं तो कर्नल तरुण कुमार ऐसे बोलेंगे आप। लेकिन अगर आप एक ग्रुप पूरा बना हुआ है मेरा सैन्य व्यवस्था का, तो बोलेंगे सेना यानी आर्मी, या कोई भी सैनिक बल हो, है ना। ये झुंड, आयोग, भीड़, हाट, बाजार, ये सब क्या होगा? समूहवाचक संज्ञा होगा। मैं एग्जांपल दे के समझा दे रहा हूं। उसके बाद कहां गया? द्रववाचक। द्रववाचक में होगा माप तौल वाला चीज, जिसे हम माप तौल के यूज करें, जिसे हम माप तौल के यूज करें। जैसे मेरे सामने यहां रखा हुआ है, मैंने बोला एक ग्लास पानी दो, तो एक ग्लास पानी क्या होगा? मापा हुआ होगा ना। मैंने बोला पानी दो, पानी, पानी पिलाओ, ऐसे बोलते ना, पानी पिलाओ, तो पानी पिलाओ तो चम्मच में तो लेके कोई नहीं आता है, चम्मच में लेके आते हैं क्या? मैंने आपसे बोला कि पानी पिलाइए, तो आप क्या करेंगे? चम्मच में पानी लेके आएंगे। तो हमारे यहाँ माप है, भारतीय संस्कृति में माप है कि एक ग्लास पानी रख दीजिए, या फिर और बहुत अच्छा संस्कृति में आना तो एक लोटा और एक ग्लास में पानी एकदम दोनों हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे करके लाते हैं ना। चलिए खैर, तो यहां द्रववाचक में माप तोल वाली चीजें होंगी, जैसे ठोस, द्रव, गैस, तीनों होंगी। जब मैं बोला ठोस, द्रव, गैस, ठोस की बात करें तो लोहा ले लीजिए, लोहा ले लीजिए, सोना ले लीजिए, तांबा ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, जो भी लेना है ले लीजिए। द्रव की बात करें तो पानी हो गया, दूध हो गया, चाय हो गया, शरबत हो गया, कॉफी हो गया, ये सारी चीजें हो गई। लेकिन अगर मैं गैस की बात करूं, ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन द्रववाचक संज्ञा होगा? जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, वायुमंडल में कितनी ऑक्सीजन है? 21%। तो 21% है वायुमंडल में नाइट्रोजन, तो हम सब खींच लेते हैं क्या एक बार में? नाक का एक माप बना हुआ कि इतनी ही खींचने हैं। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, तो हम माप तौल के ही लेते हैं उसे। एक और एग्जांपल देता हूं इसका सीधा सा। जब आप गाड़ी में चक्के में जब मतलब टायर में जब हवा भरते हैं तो क्या अनलिमिटेड हवा भर देता है क्या? वो माप तोल के देता है। तो हवा हो गया, ऑक्सीजन हो गया, O2 लिख देता हूं मैं, हवा हो गया, ये सब क्या है? द्रव वाचक संज्ञा में आएंगे। चीनी किसमें आएगा? चीनी, आटा, अनाज, ये सब मटेरियल है। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा में। जरा मैं इसको मिटा देता हूं ताकि भाववाचक को बढ़िया से समझा दूं, मिटा दूं। चलिए देखिए अब भाववाचक को, है ना, भाववाचक संज्ञा देखिए। जातिवाचक, अच्छा बूढ़ा कौन सा संज्ञा है? बूढ़ा, बूढ़ा भाववाचक संज्ञा है। कौन बूढ़ा? दुनिया भर के बूढ़े हैं, है ना। लेकिन अगर मैं बोलूं भाववाचक संज्ञा देखिए किसको बोलते हैं, जिसको हम छू नहीं सकते हैं, जिसे अनुभव कर सकते हैं, जिसे हम छू नहीं यानी स्पर्श नहीं कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वो होगा माप तौल में संख्या। क्या पूछ रहे हैं? बुढ़ापा, ईमानदारी, मित्रता। हाँ बता रहा हूं, रुकिए एक मिनट। भाववाचक संज्ञा में क्या होगा? जैसे अगर मान लिया जाए, एकदम सीधा से एग्जांपल बताता हूं, मेरी तरफ देख ध्यान दीजिएगा सारे अभ्यर्थी, और ये चीज सुनते रहिएगा ध्यानपूर्वक, मेरी तरफ देखिएगा एक्सप्रेशन। मान लिया जाए मैं अभी यहां खड़ा हूं, एक वर्ड में लेता हूं बचपन। बच्चा को हम छू सकते हैं, बच्चा को हम देख सकते हैं, बचपन को ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं। जैसे ही ये वर्ड मैंने अपने अंदर डाला, मेरे आंखें छोटी छोटी, बाल छोटे छोटे, दांत एकदम नहीं बोलता, बच्चा कैसे बोलता है? ले 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 करके बोलता है, हाथ पैर सब छोटे छोटे हो जाएंगे। तो ये अपने अंदर डाला, मैंने इस वर्ड को अपने अंदर डाला, मेरा जो शरीर का रूप रंग था बदल गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? भाववाचक संज्ञा। मित्रता अपने अंदर, या दयालुता, दयालुता अपने अंदर डाले, अब अभी एकदम गुस्से में थे और अभी दयालुता, क्या बात कर रहे हैं, हो जाएगा ना यार, टेंशन मत लीजिए, ये दयालुता आ गया मेरे अंदर। मतलब क्रोध, कल बोला था मैंने आप लोगों को ये याद करने के लिए, आप लोग याद करके नहीं आए हो, ये हुआ क्रोध। तो मेरे अंदर भाव भंगिमा बदल जा रही है, मतलब मेरी शारीरिक या फिर जो भी मेरा भाव है बिल्कुल बदल गया, दैट मीन्स वो क्या होगा? भाववाचक संज्ञा। बुढ़ापा को डाल देते हैं अपने अंदर, एक बार डाल दे, बुढ़ापा को डाल दिए, बाल पके पके, हाथ में एक छड़ी हो जाएगी, हाथ पर सिकुड़े सिकुड़े हो जाएंगे, झुक जाएंगे थोड़े, है ना। तो ये हुआ कि बुढ़ापा।
तो ये सारी मिठास, अब अपने अंदर मिठास देखिए, जैसे मान लिया जाए इसमें है चीनी, मिठास, आ मजा आ गया, क्या बात कर रहे हैं, मजा आ गया, बड़ा अच्छा लग। मेरा क्या था, चेहरा पहले नॉर्मल था, मिठास जैसे ही मैंने अंदर डाला बदल गया, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, है ना, मित्रता हो गया और मिठास हो गया, ये सब कौन सा शब्द है, ये सब है आपका भाववाचक संज्ञा, ठीक है। अब मैं चलिए अच्छाई, चलिए एक कमेंट लेता हूँ उनका, अच्छाई, अच्छाई को अपने अंदर डालते हैं। अब कोई बुरा इंसान है, अब अच्छा इंसान, अच्छा इंसान बन के कैसा दिखेगा, एकदम नॉर्मल दिखने लगेगा, है ना। तो ये सारे वर्ड जो हैं वो भाववाचक संज्ञा हैं। ये बात सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, आज के बाद आपको संज्ञा किसी को नहीं बोल, हाँ शत्रुता भी डाल देते हैं, रुकिए। अब शत्रुता में क्या होगा, हमेशा गुस्से में आदमी रहेगा, देख लेंगे उसको, दिखा देंगे इस बार पावर, ये शत्रुता। और मित्रता है, मत नहीं लड़ना चाहिए। गांधी जी क्या थे, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, समझ रहे हैं। तो ये सारी बातें याद रखिएगा। चलिए खैर, भाववाचक संज्ञा, आज के बाद संज्ञा के पांचों भेद मत भूलिएगा, अगर कभी ऐसा डाउट लगे तो पूछ लीजिएगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक एक करके समझते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो किसी, अब तो समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी मुझे, ये सारे पढ़ देने हैं केवल, जो किसी विशेष स्थान, वस्तु, व्यक्ति आदि का बोध कराता हो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। इसके एग्जाम्पल मोहन, दिल्ली, रामचरितमानस, हिमालय इत्यादि, ये सब हो गए। हिंदी व्याकरण में व्यक्तिवाचक की संख्या सबसे अधिक है, ये याद रखिएगा, हिंदी व्याकरण में व्यक्तिवाचक संज्ञा की सब संख्या सबसे अधिक है, ठीक है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं व्यक्तियों के नाम, कौन कौन होंगे ध्यान दीजिए, व्यक्तियों के नाम, देखिए कौन कौन होंगे, व्यक्ति के नाम, जो भी व्यक्ति का नाम होगा ये आपको देख लेना एक बार, देश का नाम, जितना भी देश का नाम होगा, अब कहिएगा भारत, कौन भारत, फिर निकाले चले जाइएगा भारत से, है ना, नागरिकता छीन ली जाएगी, बोले पाकिस्तान से पक्का मिल के आया हो, चाइना से मिल के आया हो, ये इसको निकाल दो। महादेशों के नाम, महादेश कितने हैं, वैसे तो बहुत है महादेश, कितने हैं महादेश, अरे एशिया महादेश, अफ्रीका महादेश, उसी को महाद्वीप बोलिए, कंटिनेंट बोलिए, अब समझ लिया। राज्यों के नाम, कितने राज्य भारत में, 28 हैं, पक्का, चलिए वेरी गुड। पुस्तकों के नाम, दुनिया भर के पुस्तक हैं, पत्र पत्रिका, दुनिया भर के पत्र पत्रिकाओं के नाम हो गए। नदियों के नाम, दुनिया भर की नदियां हैं, है ना। झीलों के नाम, बहुत सारी झीलें हैं। पहाड़ों के नाम, समुद्रों के नाम, गांव के नाम, गांव कितने हैं, गांव तो बहुत सारे होंगे ना, बहुत सारे गांव हैं, खैर छोड़िए। 32,620 तो हमारे झारखंड में है, बाकी जो यूपी में 75 जिले हैं ना, तो 75 जिले में गांव सोचिए, खाली यूपी का ही देख लीजिए ना, बाकी छोड़ दीजिए, चलिए खैर उससे मतलब नहीं। दिन और महीनों के नाम, जितने भी दिन होंगे, जितने भी महीने होंगे, सबके नाम। ग्रह नक्षत्र के नाम, सड़क दुकान प्रकाशनों के नाम, त्योहारों ऐतिहासिक घटनाओं के नाम, इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला गया हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा की संख्या सबसे ज्यादा है। जातिवाचक देख लीजिए, जाति यानी समूह का, जाति का बोध हो उसे जातिवाचक, जैसे गाय, पर्वत, मनुष्य आदि। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर ये तो आप समझ लेंगे। जातिवाचक जैसे ये हो गया नगर, कौन नगर, कौन पहाड़, कौन नदी, कौन पुरुष, कौन कवि। कलकत्ता नगर है, पहाड़ हिमालय है, नदी गंगा है, पुरुष राम है, कवि में तुलसीदास ले लिए, है ना। चलिए हो गया सब, ये इधर कुछ है नहीं। एक चीज़ यहाँ पे आएगा अभी आपका आने वाले टाइम में, कि कैसे बनाते हैं ये जातिवाचक से व्यक्तिवाचक कैसे बनता है, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जातिवाचक व्यक्तिवाचक जातिवाचक बन जाता है। अभी दिखाएंगे एग्जाम्पल, एक आध एग्जाम्पल है उसका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको ध्यान रखने चाहिए। आइए इधर दिखते हैं। द्रवाचक संज्ञा, जिससे किसी धातु या द्रव्य का बोध हो उसे द्रवाचक संज्ञा, इसे मापा या तोला जा सकता है, मैंने दिखा दिया। अब द्रवाचक संज्ञा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके पूर्ण और अंश के नाम में कोई अंतर नहीं होता। जैसे सोना का कोई एक टुकड़ा ले लीजिए आप, और सोना का इतना बड़ा चट्टान ले लीजिए, मतलब इतना बड़ा सोना, 4 किलो सोना एक जगह रख लिए, और कोई सोना का इतना छोटा सा रख लिए, दोनों में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं, मटेरियल ही है। लेकिन अगर हम जातिवाचक में रख दें, जातिवाचक क्या है, पेड़, कौन पेड़, पेड़ जातिवाचक है ना, पेड़ का एक टूटा हुआ भाग क्या कहलाएगा, टहनी कह दीजिए, डाल कह दीजिए, है ना।
एक पत्ता टूट के गिरता है तो क्या बोलेंगे? पत्ता बोलेंगे, बोलेंगे ना, तो उसमें फर्क हो जाता है। चांदी एक टुकड़ा या बड़ा भाग चांदी ही है, पानी एक बूंद कहिए या 5 लीटर पानी ही है, मटेरियल की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन वृक्ष का टुकड़ा अगर टूट जाए तो लकड़ी, टहनी, डाल, पत्ता इत्यादि कहा जाएगा। इसके अंतर्गत ठोस पदार्थ लोहा, तांबा, सोना, द्रव पदार्थ पानी, घी, तेल, शरबत, ये सब बता चुके हैं हम, है ना। और गैसीय पदार्थ ऑक्सीजन, धुआं, धुआं क्या है? मटेरियल के अंतर्गत आएगा। द्रववाचक संज्ञा से निर्मित पदार्थ जातिवाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है। द्रववाचक संज्ञा से जो निर्मित पदार्थ होंगे जातिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। चलिए, समूहवाचक तो समझ गया, पुलिस, वर्ग, टीम, समिति, आयोग, झुंड, मैं बता चुका हूँ इसको। भाववाचक संज्ञा में बता दिया, इसमें कुछ नहीं करना है, है ना। भाववाचक संज्ञा में क्या होगा? व्यक्तियों या पदार्थों के गुण, दशा, आकार, धर्म, दोष, अवस्था इत्यादि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा। और इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छे से मैंने दे रखा है, आप आराम से देख सकते हैं। अब ये चीज आपको थोड़ा सा याद करने हैं, मतलब दिमाग में रखने हैं, ठीक है। यहाँ पे भाववाचक संज्ञा को स्पर्श नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं? अनुभव करते हैं। ये नीचे वाली बातें, अच्छाई, क्रोध, बुढ़ापा। बुढ़ापा बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया कि कौन सा संज्ञा है, किस संज्ञा का उदाहरण बुढ़ापा है। चलिए, सच्चाई, मिठास, ममत्व। ममत्व यानी माता की ममता को क्या बोलते हैं? ममत्व। यौवन इत्यादि भाववाचक संज्ञा में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। गति, जितना भी गति, फुर्ती हो गई यहाँ पे, फुर्ती, शीघ्रता, सुस्ती, ये सब क्या है? गति है। माप, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, है ना, ये सब क्या है? माप है। गुण, सुंदरता, चतुरता, कुशाग्रता, ये सब क्या है? या छाई बोलिए, ये सब क्या है? गुण है। अवस्था, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, ये सब अवस्थाएं हैं ना, मनुष्य की अवस्थाएं हैं ना, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, है ना। भाव, शत्रुता, मित्रता, कृपणता। कृपणता मतलब कंजूसी, है ना, कंजूसी। क्रिया, लिखाई, पढ़ाई, दौड़, ये सब क्या है? आपका भाववाचक। स्वाद, मिठास, तितास, कड़वापन। अब जैसे तीता लग गया, तितास, मैंने मिर्ची खा ली तो आँख मुँह सब बंद हो जाएगा, भाव एकदम प्रकट अलग हो गया। अन्य अमूर्त भावनाएं, ये दया, करुणा, क्षोभ, यहाँ पे क्षोभ होगा, क्षोभ, ये सब क्या है? हाँ, क्षमा भी ले सकते हैं, ये सब क्या है? दया, करुणा, ये सब क्या है? अन्य अमूर्त भावनाएं, ये भाववाचक हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण देखिए कैसे होता है। जैसे नर, नर मतलब नर से क्या बना? नरता। नरता क्या है? भाववाचक। नारी से क्या बना? नारित। माँ, माँ कौन सा संज्ञा है बताइए? माँ कौन सी संज्ञा है? जाति होगी कि व्यक्ति होगी? जाति, व्यक्ति कैसे होगा? कौन माँ? दुनिया भर की माए हैं, पार्टिकुलर तो है नहीं कुछ। तो नारी से क्या बना? नारित्व तो बन गया, ठीक है। मनुष्य से क्या बन गया? मनुष्यता। बूढ़ा से क्या बना? बुढ़ापा। लड़क, बुढ़ापा। लड़का से लड़कपन, लड़का यहां पे छूट गया, लड़का से क्या बना? लड़कपन। और गुरु से गुरुत्व, ठीक है। चलिए अब आते हैं सर्वनाम से। सर्वनाम तो आपने पढ़ा नहीं, लेकिन अभी बता देता हूं। अपना से अपनापन या अपनत्व। जैसे अपनापन, मान लीजिए मेरे में अपनापन है। अभी मान लीजिए कोई एक बच्चा सामने बैठा हुआ है, या मैं घर में हूँ, मान लीजिए मैं घर में हूँ, तो घर में अपनों से कैसे ट्रीट करते हैं और बाहर वालों से कैसे ट्रीट करते हैं, अंतर है ना। अपनों को हर कुछ अपना दे देते हैं, निकाल के फोन मांगा तो तुरंत दे दिए, लेकिन बाहर वाले को दीजिएगा क्या? तो अपनत्व दिखता है अपने अंदर। अहं से अहंकार, उसी तरह निज से निजता, निया निजत्व, मम से ममत्व इत्यादि, ये सर्वनाम वर्ड है। अपना सर्वनाम वर्ड है, निज सर्वनाम वर्ड है। अभी सर्वनाम पढ़े नहीं इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, मानता हूं मैं। विशेषण, बहुत विशेषण है इससे बहुतायत। सुंदर से सुंदरता, ठीक। चलिए, क्रिया से, पढ़ना से पढ़ाई, मारना से मार, मिलना से मिलाप। ये जो लास्ट वाला लिखा है, पढ़ाई, मार, मिलाप, ये है आपका भाववाचक। अव्यय, अव्यय या अविकारी शब्द एक ही होते हैं। समीप से समित्व, दूर से दूरी इत्यादि। अव्यय या अविकारी शब्द ऐसे शब्द जिनमें, ये तो बता चुके हैं हम, है ना। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट चीज, ये आपको बहुत अच्छे से समझना है, ये वाला संज्ञा भेदों में परिवर्तन, ठीक है। संज्ञा भेदों में परिवर्तन, इधर कुछ नहीं था, ये सब सदैव परिवर्तित। जैसे अविकारी शब्द का एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आज, कब, क्यों, जब, तब, किंतु, परंतु, ये सब क्या है? अविकारी शब्द या अव्यय है, ठीक है। इसलिए अच्छा, संज्ञा भेदों में परिवर्तन, व्यक्तिवाचक से जातिवाचक कभी कभी देखा गया है। जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लूँ, तुलसीदास, बताइए कौन सा संज्ञा है? तुलसीदास कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। आप तो नहीं कह सकते कौन तुलसीदास, लेकिन अगर मैं कहूँ गोस्वामी तुलसीदास, तो गोस्वामी तुलसीदास का मतलब ये होता है कि गोस्वामी उनकी एक जाति है,
ठीक है, गोस्वामी उनकी क्या है, एक जाति है। अभी मैं दिखाता हूँ संज्ञा, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में देखा जाता है। ठीक है, नेपोलियन भारत के समुद्रगुप्त माने जाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का कहानी पता है ना, मैंने सुनाया है क्या आपके क्लास में? हाँ, नेपोलियन को भारत के समुद्रगुप्त माने जाते हैं। जी सर, उल्टा लिख गया मैंने सॉरी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, सॉरी ये उल्टा लिखा गया है। नेपोलियन बोनापार्ट का कहानी आपको पता है? क्या पता है? अलास्का, आल्पस, चलिए बाद में कहानी कह देंगे नेपोलियन का। तो समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन माने जाते हैं। ठीक है, इसको छोड़ देंगे, यहाँ पर डाउट थोड़ा ये मतलब देखिए ध्यान दीजिए इधर। अब देखिए नेपोलियन का है एक जाति, नेपोलियन अगर मैं बोलूं नेपोलियन बोनापार्ट, ये कौन सी संज्ञा है? नेपोलियन बोनापार्ट कौन सी संज्ञा है? हाँ, व्यक्तिवाचक हो सकती नहीं, व्यक्तिवाचक ही है नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, सुना दें, कहानी सुनने के लिए बड़े मजे आते हैं सबको, है ना। चलिए सुना देता हूँ, बीच में ठीक रहता है, चलिए सुना देते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। और कहानी कहीं भी सुनिए तो इंस्पिरेशनल सुनिए, इंस्पायर करने वाला सुनिए, तब मज़ा आता है। सुनिए नेपोलियन बोनापार्ट का कहानी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-4 मिनट लेंगे, सुना देता हूँ मैं। एक बार की बात है, आल्पस पर्वत के उस ओर, मान लीजिए आल्पस पर्वत यहाँ पे है तो काफ़ी दूर, आल्पस पर्वत का मतलब इस ओर, एक राज्य को जीतने जाना था नेपोलियन को। नेपोलियन बोनापार्ट जो है बिल्कुल पतले दुबले थे, बहुत ज़्यादा मतलब मान लीजिए मेरे ही जैसे थे, मैं तो फिर भी ठीक हूँ, और पतले दुबले थे, हवा के आंधी आई तो उड़ गए, ऐसा बोला जाता है, माना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट एक बार प्लान करते हैं कि मुझे बगल का जो पड़ोसी राज्य है जो आल्पस पर्वत के बाद है उसे जीतने जाना है। जब भी आप कोई संकल्प लेते हैं मन में तो 50% जीत वहीं हो जाती है आपकी, लेकिन संकल्प होना चाहिए मजबूत, यह नहीं कि संकल्प लिए और तुरंत तोड़ दिए। तो नेपोलियन बोनापार्ट लिए कि चलो भाई अपने सैनिकों को साथ लिए चलो, आल्पस के बाद मुझे राज्य फतह करना है, राज्य को जीतना है। राजा का काम क्या होता है? क्षेत्र का विस्तार करना होता था, पहले राजतंत्र था ना। तो बेचारे निकले सज धज के, सैनिक भी अति उत्साह के साथ निकले कि चलो आज जीतना है। आल्पस पर्वत के कुछ दूरी पहले एक बुढ़िया वहां पर लकड़ी चुन रही थी, उसका नियमित काम था, रोज का काम था लकड़ी चुनना। तो वो बेचारी लकड़ी चुन रही थी, वो इन लोगों को देखती थी, बोलती कहाँ इधर कहाँ चल दिए। तो नेपोलियन बोनापार्ट कहते हैं कि आल्पस पर्वत की उस ओर एक राज्य को जीतने जाना है। वो बुढ़िया सीधे हाथ जोड़ के बोलती है, बेटा मत जाओ, तुम तो बिल्कुल पतले दुबले दिखते हो, तुम्हारे से स्ट्रांग राजा, स्ट्रांग ताकतवर लोग आए और मुंह की खा के गिर पड़े मतलब बुरी तरह हार गए, है ना, बुरी तरह हार गए। नेपोलियन बोनापार्ट सुनता है इस बात को, गले से तुरंत मोती का हार निकालता है, मोतियों का हार, और बुढ़िया के हाथों में थमाते हुए कहता है, माते कल से तू ना लकड़ी चुनने मत आना, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं वापस जीत के लौट आया तो ये बात पूरी दुनिया को बताना, और अगर मैं उधर ही निपट लिया तो ये मोती का हार तुम बेच के आजीवन अपना निर्वहन कर सकती हो, क्योंकि राजा जो मोती का हार पहनेगा, समझ रहे हैं ना, करोड़ों लाख अरबों का होगा, आज के टाइम अगर देखा जाए तो करोड़ों का होगा, है ना, होगा ना। चलिए, सैनिक तो सुन लिए सारी बात, अब सैनिक तलवार डाल के नीचे बोले, नहीं आगे नहीं जाएंगे हम, ये मुंह की खा के गिर पड़ना, मतलब हम लोग यहीं आए थे, हरिभजन को टन लगे कपास, ये तो गड़बड़ बात है, यहाँ तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, आगे जाएंगे, बाल बच्चों परिवार से वादा करके आए कि जल्दी आएंगे, पता चला कि धरी निपट गए। नेपोलियन बोनापार्ट बड़ा दिमाग का तेज था, उसने बोला कि किसने कहा कि तुम्हें आल्पस पर्वत के उस ओर जाना है, आल्पस पर्वत तो दूर है ना, एक सामने छोटी पहाड़ी आएगी, छोटी सी पहाड़ी काट छाट के उसको आगे बढ़ा देना, जब आल्पस आएगा मैं बता दूंगा, तुम लोग वहीं रुक जाना, बस मैं मुझे लगेगा कि राज्य जीतने जाना चाहिए तो मैं जीत के आ जाऊंगा, बाकी तुम लोग वेट करना, जाना ना जाना तुम्हारी मर्जी, आगे अगर लगे कि जाना चाहिए तो जाना, नहीं तो मत जाना। बेचारे सैनिक खुश हो गए, मोटिवेट हो गए,
सैनिक बढ़ते गए, एक पहाड़ी भी आई, पहाड़ी को क्रॉस किए, उसके बाद मैदानी भाग आ गया। तो लालसा होता है ना, कई लोगों को होता है ना, कितना दूर चलना है सर, कितना दूर चलना है, नेपोलियन बोनापार्ट से पूछना कितना दूर और चलना है, आल्पस किधर है। अरे बेवकूफ हो, आल्पस तो पीछे ही छूट गया, तुमने तो आल्पस पार कर लिया। अब सारे सैनिक अचंभित होकर नेपोलियन को देख रहे ऊपर से नीचे, ये क्या किया आपने, तो आल्पस पार करा दिया, फिर वो उस राज्य को जीत लिए थे। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है, यही सीख मिलती है कि UPSC हो या UPSC या RO ARO हो या भारत में कोई भी एग्ज़ाम्स हो, यदि आप मजबूत इरादों के साथ और अपने साथ जो पर्याप्त साधन है, जो साधन आपको होने चाहिए उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, अगर आप में वो क्षमताएं हैं, साधन हैं, सब कुछ है, तो फिर आप जीत हासिल कर सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सोचिए अगर सैनिक उस समय ये सैनिकों को बता दिया जाता कि आल्पस पर्वत यही है, तो आधे सैनिक तो डर से मर गए होते। जैसे कभी किसी को सांप काट देना, तो भारत में देखा गया कि लगभग 80% लोग सांप के डर से मर जाते हैं या फिर वो बेहोश हो जाते हैं। 20% ऐसे लोग होते हैं जिनको दुनिया से लगता है कि अब चल देना चाहिए, उनको कुछ नहीं होता है, बेहोश तक नहीं होते हैं वो। सांप के जहर से कम लोग मरते हैं, डर से मर जाते हैं। तो डरना नहीं है, आराम से अपना तैयारी करते रहना है ना। चलिए नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी हो गई खत्म, अब चलते हैं आगे। ये देखिए, समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन माने जाते हैं। अब मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे आजकल कोरोना से आधे डर कर, हाँ बिल्कुल, कोरोना से क्यों डरना, खा पी के तंदुरुस्त रहिए, कहीं कोरोना को बोलिए कि आ लो, सावधानी रखना है। ऐसा नहीं बोला कि कोरोना से जाके मर जाना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, सावधानी रखना है हर जगह, क्योंकि बोला भी गया सावधानी हटी दुर्घटना घटी। खैर चलिए, समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन माने जाते हैं। यदि आप भी समुद्रगुप्त को जानते हैं ना, दक्षिण भारत के 12 राजाओं को 12 बार पटक पटक के मारा था, मैं अपने लैंग्वेज में बोल दिया बस, दक्षिण भारत जो जिसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, नीचे वाला पार्ट, वहाँ पे विजय प्राप्त करना मतलब एक तरह से समझिए कि बहुत ही मुश्किल था। समुद्रगुप्त ने वहाँ जाके सारा काम किया, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि नेपोलियन जैसा बहादुर था। आप आज के टाइम में अगर कोई ऐसा काम कर देते हैं तो आपको भी क्या कहा जाएगा, आपका नाम क्या है, शुभम भारत के नेपोलियन है। तो नेपोलियन जो वर्ड हुआ वो क्या हुआ, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक इस वाक्य में, इस वाक्य में नेपोलियन क्या होगा, जातिवाचक, क्योंकि उसे जाति दिख रहा है, किसी पे भी लगा दे रहे हैं आप, है ना। चलिए, लेकिन अगर नेपोलियन बोनापार्ट या नेपोलियन या समुद्रगुप्त अलग अलग लिखा हो, केवल अलग अलग वर्ड के रूप में, तो क्या होगा, वो प्रॉपर व्यक्तिवाचक होगा, मतलब वो ठीक है ना। अब गांधी जी अपने समय के कृष्ण थे, ध्यान दीजिएगा, गांधी जी अपने समय के कृष्ण थे। अब सोचिए इस बात को, आप भी आज के टाइम में वैसा काम कर दीजिए, आपको कृष्ण की उपाधि मिल जाएगी। कृष्ण क्या है, अगर कृष्ण को अलग रखें तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। गांधी जी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन गांधी जी अपने समय के कृष्ण थे, यहां पे कृष्ण जो बताया गया है उनकी तुलना की गई है, तो जो तुलनात्मक वर्ड इस रूप में मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, जातिवाचक बन जाएंगे, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। रामचरितमानस हिंदुओं की बाइबिल है, मतलब बाइबिल से तुलना की गई है, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, जातिवाचक होगा। ऐसे शब्दों को ध्यान रखिएगा, कभी आयोग ने घुमा फिरा के ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो आप आसानी से पकड़ लीजिएगा कि रामचरितमानस हिंदुओं की बाइबिल है, मतलब रामचरितमानस में बाइबिल जैसी बातें हैं। अगर और कोई बुक का रचना आकल के डेट में होता है तो उस बुक के बारे में हम बोल सकते हैं कि वो ग्रंथ बाइबिल है, यानी बाइबिल क्या होगा यहां पे, जातिवाचक, ये याद रखिएगा। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, कभी कभी जातिवाचक संज्ञा किसी एक ही वस्तु का बोध कराने के कारण व्यक्तिवाचक हो जाती है। गोस्वामी एक जाति है, गोसाई, मतलब गोसाई उनका जाति है, ठीक है, परंतु इस शब्द का प्रयोग तुलसीदास के नाम के रूप में पाया जाता है। गोसाई एक जाति है एक्चुअली, ठीक है ना, जाति, समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार नेहरू, द्विवेदी, अब द्विवेदी क्या है, द्विवेदी मतलब होता है दुबे, चतुर्वेदी मतलब चौबे, तो ये सब क्या है, जाति है, चौबे। अब मैं बोलूं चतुर्वेदी, कौन चतुर्वेदी, 1000 चतुर्वेदी है, 1,00,000 चतुर्वेदी है, तो कौन चतुर्वेदी, समझ में आ रहा है, देशरत्न। अब देशरत्न क्या है, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक,
क्या यहाँ पे लिखा हुआ है एक बार फिर से पढ़ लीजिए, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा किसी एक ही वस्तु का डिनोट कराने के कारण व्यक्तिवाचक हो जाती है। गोस्वामी एक जाति गोसाई है, परंतु इस शब्द का प्रयोग तुलसीदास के नाम के रूप में पाया जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा? व्यक्तिवाचक। तुलसीदास के नाम के साथ जैसे ही जोड़ दिया उसको आप, वो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। जैसे मान लिया जाए देशरत्न, देशरत्न है एक्चुअली कौन सा वर्ड? जातिवाचक। लेकिन मैं बोल दूं देशरत्न शुभम, किसी लड़के का नाम रखता हूं, या देशरत्न राजेंद्र प्रसाद, तो ये पूरा नाम क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। ये भी याद रखिएगा। एक बार फिर से मैं इसको समझाता हूँ, काफी बच्चों के मन में डाउट नहीं होना चाहिए, एक बार मैं फिर से इसलिए समझा देता हूँ पूरा। हाँ, क्या पूछ रहे? जैसे समझ लीजिए, एक मिनट समझा देता हूँ मैं। जैसे लौह पुरुष, एक एग्जांपल लेता हूँ, लौह पुरुष, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये उपाधि मिला है उनको, एक तरह का उपाधि था। कौन दिया था? बारदोली की महिलाएं दी थी लौह पुरुष, बहुत सारा काम किया। खैर, अरे सरदार की, सॉरी, लौह पुरुष तो इसलिए बोला गया कि भारतीय क्या, लौह पुरुष तो इसलिए उनको कहा जाता है कि पूरे भारत के जो देशी रियासत थे उनको विलय किए थे, एक पूरा बना दिए थे, एक पूरा भारत, मतलब भारत को यूनाइट करने में बहुत बड़ा रोल रहा। अब लौह पुरुष अगर मैं किसी व्यक्ति के साथ लगा दूं, किसी व्यक्ति की पार्टिकुलर, जैसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वो पूरा वाक्य, पूरा मतलब जो शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। लेकिन ऐसे लौह पुरुष क्या है? लेकिन अगर उस सेंस में आप बोल रहे हैं, किस सेंस में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के सेंस में लौह पुरुष आ रहा है, क्योंकि उन्हीं को बोला जाता है आमतौर पे, तो ये क्या होंगे? व्यक्तिवाचक होंगे। इन सब बातों का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? चलिए, जो व्यक्तिगत हो उसको लेंगे, व्यक्तिगत हो तो वो व्यक्तिवाचक ही होगा। हाँ, जाति मतलब एकदम कॉमन दिखेगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, देखिए, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, ये नाम क्या है? जातिवाचक एक्चुअली। अब द्विवेदी मतलब क्या? कौन द्विवेदी? जैसे एक वर्ड है ना, देखिए ना यहाँ पे, अब मैं द्विवेदी से समझा देता हूँ, द्विवेदी मतलब कौन द्विवेदी? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी तो लगा दिए। अगर आप हजारी प्रसाद द्विवेदी लगा दिए तब तो वो व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन द्विवेदी मतलब कौन द्विवेदी पता है आपको? निराला मतलब कौन? निराला, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब जो वर्ड है वो है जातिवाचक के, लेकिन जब नाम के साथ ऐड कर देंगे तो वो आमतौर पे व्यक्तिवाचक बन जाते हैं, और ऐसे आपको ये दिए जाएंगे कभी एग्जाम्पल्स में तो बता दीजिएगा। चलिए, जातिवाचक से भाववाचक बनाते हैं। अब जातिवाचक क्या है? मनुष्य। भाववाचक क्या बनेगा? मनुष्यता। नर से क्या बनेगा? नरता, इत्यादि। व्यक्तिवाचक से भाववाचक बनाते हैं। व्यक्तिवाचक कौन है? कृष्ण। कृष्णत्व मतलब कृष्ण के अंदर का जो दिखता है, अंदर का चीज है ना, वो। समूहवाचक से जातिवाचक बनाते हैं। दोनों सेनाओं में घमासान लड़ाई हुई, यहां सेनाओं का प्रयोग जातिवाचक में है। किसका सेना कहिएगा? सेना तो समूहवाचक होना चाहिए था, लेकिन दोनों सेनाओं में किसका समूह, किसका सेना पता है? कौन सेना? दोनों सेनाओं ना, आप तो डिफाइन नहीं किए ना कि कौन सेना। तो दोनों सेनाओं में जब घमासान लड़ाई करा दिए आप, पता तो नहीं है कि सेना वर्ड किसके लिए यूज किया गया है। सेना तो है समूहवाचक संज्ञा, है ना, लेकिन यहाँ इस वाक्य के अनुसार ये इसका प्रयोग जो हुआ है वो जातिवाचक दिखाया है। दोनों सेनाओं या चारों सेनाओं या पांचों सेनाओं, वो पार्टिकुलर नहीं दिखाया है, ठीक है? इतनी बातें याद रखनी थी, और इसमें मेरे ख्याल से अब कुछ नहीं होगा। अच्छा, अभी और है, एक है द्रववाचक से जातिवाचक। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा और जुम्मो। चलिए यहाँ देखिए, द्रववाचक से जातिवाचक, यहाँ तरह तरह की शराबें बिकती है। शराब क्या है? शराब क्या है? द्रववाचक। सिंपली शराब द्रववाचक है। तुम्हें कितने प्रकार की मधु चाहिए? शराब और मधु का प्रयोग जातिवाचक में, जिसे बता देता हूं, यहां कितनी, यहां तरह तरह की शराब है। अब शराब के कई प्रकार आ गए तो फिर उनका जातिवाचक में यूज हुआ है, लेकिन कब? जब ऐसे वाक्य में प्रयोग किए गए हों तब। क्लियर? यहाँ तरह तरह की शराबें बिकती है। अगर केवल हम पूछे शराब तो आप सीधे बोलिएगा सर द्रववाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ तरह तरह की शराबें हैं, 1000 तरह की शराबें रख दिए तो जातिवाचक। कौन शराब? शराब की दुकान नहीं जाना है, छोड़िए, पानी में रख देता हूँ, नहीं तो फिर आप लोग दिक्कत करेंगे। यहाँ तरह तरह की पानी बिकते हैं, है ना। मैं आपसे पूछूंगा कौन पानी लेना है? आरओ का लेना है, एआरओ का लेना है, यूपीपीएससी का लेना है, यूपीएससी का लेना है, टेट का लेना है, है ना, किसका लेना है? तो वो यहाँ पे होगा। अगर मैं यहाँ पे वर्ड एक रख रहा हूँ मटेरियल,
यहाँ तरह तरह की सराय बिकती है, तो ये क्या हुआ? अच्छा तुम्हें कितनी प्रकार की मधु चाहिए? अब मधु के दुकान में गए, मधु मतलब मद जो खाते हैं, शहद, 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 हाँ, तो शहद में, शहद एक्चुअली तो है मटेरियल, ये द्रवाचक संज्ञा है ना, लेकिन अब शहद की दुकान पे गए, 1000 तरह का शहद दिखा रहा है, कौन सी शहद चाहिए, कौन सी मधु? तो आप वहां पे क्या कहेंगे, जातिवाचक का प्रयोग कर रहा है ये दुकानदार, है ना, ये ध्यान रखिएगा। संज्ञा संबंधी अब प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न में फटाफट प्रश्न पूछूंगा, ये आप जो भी देख रहे हैं वीडियो लाइव वाले फटाफट जवाब दीजिएगा, आप लोग भी जवाब देने का प्रयास करिएगा। पहला क्वेश्चन, क्रोध मनुष्य का दुश्मन है, क्रोध सब संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जल्दी बताइए। एक नंबर भाववाचक, वेरी गुड। चलिए, संज्ञा के कितने भेद हैं ये तो कोई भी बता देंगे, 5। मिठास शब्द कौन सा संज्ञा है ये बताइए फटाफट, मिठास शब्द कौन सा संज्ञा है फटाफट बताएं, जल्दी जल्दी बताएं। मिठास शब्द कौन सा है? चलिए बता तो रहे हैं भाववाचक, ये कोई बी बोल रहा है, मिठास शब्द जातिवाचक कैसे हो गया, ये होगा भाववाचक, इतना देर से पढ़ रहे थे, ये होगा भाववाचक। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? अब इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है बताइए फटाफट, इसमें कौन सा भाववाचक कौन सा है? बचपन होगा, वाह वेरी गुड, बचपन तो बहुत भी अच्छी, जिनका भी बचपन उत्तर है बहुत बढ़िया। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा फिर से पूछा गया है, भारत, लड़का, कायर या मित्रता? अगर यहां कायरता होता ना, कायरता होता ना, कायर नहीं, कायरता होता ना, तब तो वो भाववाचक होता, लेकिन कायर है, कायर है, पर्टिकुलर इंसान को बताएंगे तो ये कायर नहीं होगा, कायरता होगा, तो यहां आंसर क्या होगा, मित्रता, वेरी गुड, मित्रता, ठीक है, इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए ये वर्ड रखे गए हैं कि आप देखेंगे कायर भी होता है, ऐसा नहीं है, मित्रता आंसर होगा, ठीक है। देश को हानि जयचंदों से होती है, संज्ञा बताए इसमें, और संज्ञा के बारे में मैंने इनसे पूछा, ये वाला बताइए, जयचंद का तो एक ही मतलब है, लेकिन आप बताइए यहां इस वाक्य में जयचंदो, आप लोग बताइए तो फटाफट, बताइए इस आंसर इसका, 6 नंबर, देश को हानि जयचंदों से होती है, संज्ञा बताइए, अभी मैंने पढ़ाया, जिनका भी आंसर रुकिए, भाववाचक है जयचंद, भाववाचक है तो सर जाति, मैंने ऐसा नहीं पूछा, मैंने पूछा आपसे देश को हानि जयचंदों से होती है, इस वाक्य में संज्ञा बताइए, बताइए पार्टिकुलर, ये मतलब ये, हाँ हम तो देखिए एक वाक्य लिखे, समझिए पहले, एक वाक्य लिखा और इसको अंडरलाइन कर दिया मैंने जयचंदू, तो क्या है ये, ये होगा जिनका भी आंसर जातिवाचक आ रहा है, वेरी गुड, इसका मतलब आप संज्ञा बहुत अच्छे से समझ गए हैं, व्यक्तिवाचक कभी नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा, मैंने बहुत एक्सप्लेन करके बताया था, बहुत अच्छे से बता दिया है कि ऐसे ऐसे, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से अधिक का बोध कराने लगती है तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, ऐसा मैंने पहले भी बताया आपको, आज के युग में जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंद का मतलब देश घर का भेदी लंका डाये, तो जयचंद कौन था, यही तो पृथ्वीराज, वही था ना, पृथ्वीराज चौहान को हराने में मदद किया था, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट पर बाण, ताऊ पर सुल्तान है, मच्छू को चौहान, किसने बोला था ऐसा, चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो के वही लेखक है ना, चलिए वेरी गुड। तो ये संज्ञा संबंधित चीजें खत्म हो गई, अब बढ़ते हम आगे, सर्वनाम, संज्ञा में किसी का डाउट होगा तो पूछ लेंगे लास्ट में, अभी मैं टाइम दूंगा, पहले सर्वनाम पे चलते हैं, चंद्र बरदाई, वाह वेरी गुड, जयचंद का अर्थ भी बता दो गुरु जी, जयचंद का अर्थ पता नहीं है, जयचंद तो नाम है, चलिए प्रोनाउन, अब आते हैं प्रोनाउन, संज्ञा तो पढ़ लिए, अच्छा मैंने पहले ही बताया था कि किसी चीज को पढ़ने के लिए तोड़िएगा, सर्वनाम को तोड़िए, सर्व जोड़ नाम, नहीं नहीं तोड़िए, सर्व जोड़ नाम क्या होगा, सर्व जोड़
नाम, सर्वनाम, ठीक है। सर्व मतलब क्या होता है? सब। सर्व मतलब सब। नाम मतलब? नाम तो नाम ही है। अरे संज्ञा पढ़ने के पहले मैं बताया था, नाम मतलब संज्ञा। चलिए सर्व जोड़ नाम, सर्वनाम शब्द सर्व और नाम से मिलकर बना है। सर्व का मतलब है सब और नाम का अर्थ है संज्ञा। अब देखिए, यानी वे शब्द जो सभी संज्ञाओं के बदले प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। चलिए अब बताता हूँ सर्वनाम का यूज क्या है। यहाँ पे लिखा भी होगा, दिखा देता हूँ मैं। दूसरे शब्दों में जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है। हिंदी में सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी है? 11। मैं, तू, वह, या, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, और कुछ छूट गया? आप, वह, या। मैं, तू, आप, वह, या, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, 11 हो गए हैं टोटल। गिन लिए, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11 शब्द हैं। इसी पे सर्वनाम रन कराने हैं आपको। सर्वनाम के काम क्या है, क्यों सर्वनाम की जरूरत पड़ती है हिंदी व्याकरण को, वो फटाफट देख लीजिए। सर्वनाम वाक्यों में किसी नाम की आवृत्ति यानी पुनरावृत्ति बोलिए उसको नहीं होने देता है। रमेश एक अच्छा लड़का है, रमेश प्रतिदिन स्कूल जाता है, रमेश पढ़ने में तेज है, ये सब गलत है। आप कैसे कीजिएगा? यहाँ रमेश एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है, वह पढ़ने में तेज है, ये सही होगा। सर्वनाम निकटता और दूरी का बोध कराता है। जैसे मैं अगर ये कहूँ, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ ये पेन, मान लीजिए ये, तो क्या बोलूँगा? वह पेन, यह पेन काली है। और मान लीजिए इस हॉल से बाहर में एक बिल्ली बैठी हुई है, तो मैं क्या बोलूँगा? यह बिल्ली या वह बिल्ली? वह। तो यह निकटता के लिए और वह दूरी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो सर्वनाम निकटता और दूरी का भी बोध कराता है। सर्वनाम आदर और अनादर का बोध कराता है। आदर में आता है शब्द आप और अनादर में आता है तू या तुम। तुम आओ, ये अनादर हुआ। आप आइए, ये क्या हुआ? आदर हुआ। सर्वनाम से जिज्ञासा की अभिव्यक्ति होती है। देखिए जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा है ना, कौन। अब जैसे मैं बोलूँ कौन आया है, देखिए एक्सप्रेशन देखिए, कौन आया है, एक जिज्ञासा मन में कि पता नहीं जाने कौन आया है, आपने क्या खाया है, पूछते हैं ना। आजकल तो लोग व्हाट्सएप पे पूछ देते हैं फटाफट, क्या खाया दिखाओ जरा, है ना, क्या खाया दिखाओ जरा। आधे से जिज्ञासा का बोध होता है, देखो तो कौन आया है, आपने क्या खाया है, ठीक है। सर्वनाम आश्रित वाक्यों में संबंध भी जोड़ता है। आश्रित मतलब एक दूसरे पर निर्भर रहना, आश्रित मतलब एक दूसरे पर निर्भर। जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो जागेगा सो पाएगा, ये याद रखिएगा। सर्वनाम के टोटल भेद होते हैं 6। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और सांकेतिक या सर्वनामी संबंधवाचक, सॉरी वो मैं विशेषण पे चला गया, संबंधवाचक। तो टोटल कितने भेद होते हैं? 5 नहीं होते, 6। किसका आंसर आ रहा है 5? अच्छा वो शायद कमेंट दूसरा होगा इनका। खैर 6 भेद पुरुषवाचक। अब पुरुषवाचक के 3 बच्चे, मतलब 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तो पढ़ते भी हैं इंग्लिश में आप, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को बोलते हैं, निजवाचक, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक रिलेटिव प्रोनाउन, निश्चयवाचक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और अनिश्चयवाचक इंडिफिनिट प्रोनाउन। ये आपके हिसाब से, मैं इंग्लिश वालों के हिसाब से मैंने लिख दिया है। अब एक एक का देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से पुरुष अर्थात बातचीत या लिखने के क्रम में बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैंने आपसे कहा कि श्याम बदमाश है, पीठ पीछे बुराई करते हैं ना हम लोग। मैंने आपसे कहा कि श्याम बदमाश है। अब देखिए इसमें कितने लोग हैं, एक तो मैंने यानी कहने वाला मैं हूं, आपसे कहा यानी सुनने वाले आप हैं, कि श्याम बदमाश है। श्याम यहां नहीं है, कहीं है, लेकिन 3 आदमी इसमें है, यानी वक्ता, वक्ता यानी कहने वाला, श्रोता और जिसके विषय में कहा जाए, इन सब का ज्ञान हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष बातचीत या लिखने के क्रम में जो बोलता है उसे, और वैसे भी देखिए ना सबसे उत्तम कौन है,
हमारे मानव जीवन का एक स्टेज आता है यंग यानी जवानी का, हम लोग जवान हैं, और जवान व्यक्ति जो है या वो मेल हो या फीमेल हो कोई भी, वो राष्ट्रपति तक से पंगा लेने को तैयार होता है। राष्ट्रपति ऐसे कह दिया देख लेंगे हम, लेकिन जब आप बूढ़े होते हैं तो ऐसे नहीं बोलते हैं कभी, ऐसे बोलते हैं क्या बूढ़े लोगों को देखे हैं? बोलते हैं बच्चा को देखे हैं क्या? तो सबसे उत्तम कौन है? मैं, हमसे बढ़िया है वो। तो ऐसे याद रखिएगा, ट्रिक में बता दिया आपको, तरीका बता दिया, मैं उत्तम पुरुष आएगा। मैं का बहुवचन क्या होगा? हम। मैं का बहुवचन जैसे आप लोग पूछते हैं ना, सर सर हम जाएं, ये बोलने में गलत है, भले सुनने वाले को अच्छा लगता है, सर मैं जाऊं, और अगर पूरे क्लास को छोड़ना है एक साथ और पूरे क्लास बोले सर हम जाएं, तब वो ठीक है क्योंकि वो बहुवचन हो गया। तो मैं एक वचन है, बहुवचन क्या होगा इसका? हम। मैं को परिवर्तित किए मैंने, हम को परिवर्तित कीजिए हमने, मैं से बना मेरा, हम से बना हमारा, मैं से बना मुझे, मैं से बना मुझको, मैं के कई रूप हैं, ठीक है? तो इसको बोलते हैं उत्तम पुरुष, यानी जो बोलता है या लिखता है उसको बोलेंगे उत्तम पुरुष। दूसरा देखिए, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? मध्यम पुरुष देखिए, जिसे संबोधित करके लिखा या कहा जाए, अभी मैंने आपसे क्या कहा था? आप कहा था ना, ठीक है, उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, ठीक। जैसे तू, तुम, तू का रूप है तुम, और इसी को अगर आप कहें आप तो ये आदर शब्द होता है। तुम का ही आदर शब्द क्या होता है? आप। तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, ये सारे वर्ड हैं, आपने, आपको, आपका परिवर्तित रूप है। आप एक आदरणीय शब्द है और तुम एक अनादरणीय शब्द है, ये भी याद रखिएगा। अन्य पुरुष, जिसके विषय में कुछ लिखा या कहा जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन यानी तीसरा व्यक्ति, यानी इसमें आएगा वह, वे या कोई नाम आ सकता है। मैंने अभी नाम लिया था ना श्याम का, तो देखिए वह, यह, ये, वे। अब यह का बहुवचन क्या होगा? ये। जैसे बोला मैंने यह कलम है, जैसे यहां रखा हुआ है यह एक कलम है, लेकिन अगर 10 कलम रख दो तो क्या बोलेंगे हम? ये कलमे हैं, ये कलम नहीं है, ये कलमे हैं, बहुवचन। यह का बहुवचन ये, वह का बहुवचन वे, इन, उन, उनको, उनसे, इसी का परिवर्तित रूप है, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको, ये सब क्या होगा आपका? अन्य पुरुष, ठीक है। अब आते हैं दूसरा, निजवाचक। बारात हमारे घर से निजी वाहनों द्वारा सुरक्षित प्रस्थान करेगी। निजी मतलब निजी अपना, अपना, निज से बना निजी, तो निज मतलब क्या होगा? अपना, ठीक है। निजवाचक सर्वनाम, बस यही याद रखना है, जो सर्वनाम निज या अपने आप का बोध कराता हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप, आप मतलब स्वयं, स्वयं, खुद, स्वतः, अपने आप, ये सारे वर्ड क्या होते हैं? निजवाचक सर्वनाम वाले वर्ड होते हैं। दूसरे शब्दों में वक्ता या लेखक जहां अपने लिए आप का यूज करता हो या अपने आप शब्द का प्रयोग करता हुआ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं अपने आप काम कर लूंगा, जब आप रात में पढ़ाई करते हो तो मम्मी बोलती है बेटा खा लो 11 बज गए, मम्मी खा लो, मैं अपने आप खा लूंगा, मैं खुद खा लूंगा, मैं स्वतः खा लूंगा, ये सारे वर्ड क्या है? निजवाचक सर्वनाम के हैं। मैं स्वयं चला जाऊंगा, बोलते हैं ना मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो ये सारे वर्ड क्या है? निजवाचक। मैं अपने आप काम कर लूंगा, वह स्वतः जाग जाएगा, वह स्वतः जाग जाएगा। यहाँ पे स्वतः जो वर्ड है किसके लिए है? अब एक चीज़ और बताता हूँ मैं, एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एक चीज़ थोड़ा सा डाउट यहाँ पे आपको हो सकता है। जैसे मैं अगर ये कहूँ कि मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे कहा था, ठीक है, या मैंने आपसे कहा था, बस यही तक रखिए ना, मैंने आपसे कहा था, ठीक है, मैंने आपसे कुछ कहा था लिख देता हूँ, या कहा था, कुछ कहा था। चलिए ये कौन सा चिन्ह है? हंस पद। वाह वेरी गुड, हंस पद है या इस त्रुटि, चलिए वेरी गुड। मैंने आपसे कहा था, यहाँ कितने व्यक्ति हैं? यहाँ कितने व्यक्ति हैं? नहीं नहीं यहाँ कितने व्यक्ति हैं? दो, वेरी गुड। एक तो मैंने है,
और एक तो आपने दो व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, तो ये जो आप होगा वो कभी भी निजवाचक नहीं होगा, ये होगा आपका किसमें, उधर ले जाइए, दूसरी जगह ले जाइएगा। लेकिन यहां अगर मैं बोलूं मैं अपने आप काम कर लूंगा, यहां कितने लोग हैं, एक तो मैं है और दूसरा ये एक ही बंदा है, दोनों एक ही बंदे हैं, यहां पे दोनों एक ही व्यक्ति है, मैं अपने आप कर लूंगा। वह एक व्यक्ति है स्वतः, ये अपने बारे में ही बोल रहा है, तो यहां एक ही व्यक्ति है। तो पकड़ने का तरीका मैं एक और बता दिया कि जब भी आपको निजवाचक सर्वनाम पूछेगा एक ही व्यक्ति होगा पार्टिकुलर, चाहे वो आप यूज करे, आप ही यूज करे, स्वयं यूज करे, स्वतः यूज करे, खुद यूज करे, है ना। जैसे मैं, वह आप ही बुरा है, आप ही मतलब स्वयं, मैं अपने आप पढ़ रहा हूं, मैं स्वतः जाग जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा, ये सब क्या है निजवाचक सर्वनाम। यहां आपको कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए, नहीं होगा ना, चलिए वेरी गुड। अब आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। राधा क्या खा रही है, आपको जवाब देना है, क्या खा रही है राधा, कुछ नहीं खा रही है, कुछ खिला दीजिए राधा को। कौन आया है पता है आपको, तो आप तो पता नहीं है, मतलब मैंने, मेरे कहने का मतलब क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, कौन आया है, या राधा क्या खा रही है, यहाँ पे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। और प्रश्नवाचक सर्वनाम जब आएगा तो लास्ट में जरूर आपका प्रश्न सूचक चिन्ह लगा भी रहेगा, ये भी है पहचान इसका। आगे बढ़ते हैं, थक गए क्या आप लोग, नहीं ना, थकना मना है, चलते रहना है। नोट, क्या वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है और कौन व्यक्ति के लिए या व्यक्ति के विषय के लिए, ठीक है, व्यक्ति के लिए मतलब क्या कौन यूज होगा और क्या जो यूज होगा वो वस्तु के लिए होगा। अभी आप जब क्रिया पढ़ेंगे तो हाँ, किन्हें दिल्ली जाना है, हाँ ये भी क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, क्या पढ़ा रहे हैं अभिषेक शर्मा, हिंदी पढ़ा रहे हैं, देखिए अभिषेक शर्मा पूछ रहे हैं गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में पढ़ रहे हैं आप, सर्वनाम पढ़ रहे हैं। अगला ये संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से एक शब्द या वाक्य का दूसरे शब्द या वाक्य से संबंध जाना जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एक दूसरे से संबंध स्थापित करेगा, ठीक है, दूसरे से संबंध, जिसकी लाठी उसकी भैंस, दोनों में लाठी और भैंस में क्या है संबंध है, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो कहा गया वही करो, तो कहना और करना में फर्क, मतलब जो संबंध है वो दो शब्द लगाए, जो और वही, जो देता है सो लेता है, जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो ऐसे शब्दों को क्या बोलते हैं, ऐसे वाक्यों को क्या बोलते हैं हम, ऐसे वाक्यों को क्या बोलते हैं, संबंध वाचक सर्वनाम, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, वर्तमान हिंदी में ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी शोक के स्थान पर वह का यूज किया जाता है, जो जागेगा वह पाएगा, जो पढ़ेगा वह पास होगा, शोक के स्थान पर वह हो सकता है, कभी कभी सो भी रहेगा, कभी वह भी रहेगा, तो घबराइएगा मत कि वह कहां से आ गया, ठीक है। जिसका, जिसको, जिनके, जो कि, जिन्होंने आदि शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है, मतलब इनसे जुड़े रहते हैं, जैसे अभी दिखाया ना, देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, जुड़ा है ना, जो यानी जो देता है सो लेता है, जुड़ा रहता है इनसे, निश्चयवाचक। अब निश्चय मतलब कि एकदम आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज निश्चय निश्चित है, बाकी अनिश्चित जो होगा उसमें आपको पता नहीं चलेगा। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थ के विषय में सही और निश्चित ज्ञान हो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत यह, ये और वह और वे आते हैं, मतलब चार, जो आपने पढ़ा था पहले सर्वनाम शब्द कितने हैं, 11, उस 11 में दो लाइएगा, यह और वह, वहां ये और वे नहीं थे, ये तो बहुवचन रूप है ना, तो यह और वह का यूज होता है। जैसे दिखाते हैं यहाँ पे, वह बहुत सुंदर है, कोई डाउट है, मत कीजिएगा डाउट, नहीं तो बहुत मार मारेगी, है ना, वह बहुत सुंदर है, ठीक है। लड़का है कि लड़की है, सुंदर है, सुंदर है तो लड़की है, लड़का सुंदर नहीं होता, मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरी सुंदरता पे डाउट लगा रहे हैं, वह सुंदर है क्या, लड़का या लड़की है ये है, पता ही नहीं, कहाँ पता है आपको, ये तो पता नहीं है, वो तो डिनोट कर रहा है ना, तो कहाँ, वह सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो कहाँ डिनोट कर दिए, तो समान ही सी मतलब, हाँ तो ही सी, तो कहाँ इसमें ही सी कहाँ लिखा है मैंने, अंग्रेजी में करिएगा, ठीक है।
ठीक है, जो करेगा वह बहुत सुंदर है, है नहीं होगा यहाँ पे, है होगा, ये बिंदी गलती से लगा है। यह काली बिल्ली है, डाउट है इसमें, पता चल रहा है कि अनिश्चय है ये, नहीं ना, निश्चित है ना कि काली है, कोई डाउट तो नहीं है आपको। वे अच्छे लोग नहीं है, डाउट नहीं है आपको। वे मेरे हथियार हैं, डाउट तो नहीं है। अभी डाउट वाला दिखाता हूं मैं, कैसे डाउट होगा आपको, ये कोई डाउट नहीं है इसमें आपको। और यहां पे जो वह यूज हुआ है ये मेल फीमेल नहीं बताया गया है, ठीक है, इंग्लिश वाला मत ले आइए। अब देखिए अनिश्चय में दिखा देता हूं मैं कैसे, अनिश्चित में मतलब इनडिफिनिट होता है। यहां देखिए, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु व्यक्ति पदार्थ आदि का ज्ञान न हो उसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई आ रहा है, पता है, अब बताइए यहाँ डाउट हुआ कि नहीं, कोई आ रहा है, कोई मतलब कौन, रिश्तेदार आ रहे हैं कि भाई आ रहे हैं, है ना। उसने कुछ नहीं लिया, कुछ का मतलब नहीं पता, तो यहाँ पे अनिश्चय है आप। वह कुछ लाया था, पता है क्या लाया था, तो यहाँ पे तो डेफिनेट नहीं है, है ना, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, निजवाचक आप और पुरुषवाचक आप में क्या अंतर है, एक बार दिखा देते हैं। पुरुषवाचक आप जो होता है मध्यम पुरुष में आदर सूचक रूप में आता है, अतः इसका रूप तू के स्थान पर होता है, मतलब तू या तुम के स्थान पर आता है आदर सूचक रूप में, कहा मध्यम पुरुष। मैंने तुमसे कहा कि वे लोग चोर हैं, ठीक है, मैंने तुमसे कहा कि वे लोग चोर हैं। अब मैंने तुमसे कहा, तुम कौन है, मध्यम पुरुष है, अब तुमको वही आदर देना है, तो मैंने आपसे कहा हो गया, ठीक है। जबकि निजवाचक आप खुद के अर्थ में आता है, निजवाचक आप खुद के अर्थ में, यानी वहां एक ही व्यक्ति होगा, जैसे मैं आप ही सुंदर हूं, ये बताइए कौन से सर्वनाम का एग्जाम्पल है, बताइए तो फटक से बताइए कौन से एग्जाम्पल, कौन से सर्वनाम का एग्जाम्पल है, ये निजवाचक होगा पक्का, वेरी गुड, ये निजवाचक है, मैं आप ही मतलब एक ही आदमी के बारे में, वह आप ही स्वार्थी है, ये कौन सा होगा, निजवाचक होगा ये भी, चलिए अच्छा, यह नीचे लिखा था इसलिए देख के बता दिया हमने, नहीं सर आपका मतलब खुद ही होगा ना, हाँ आप आइएगा, अब देखिए आप आइएगा इसमें पुरुषवाचक है, आप यहाँ बैठिए है तो एक ही आदमी यहाँ पे, लेकिन बोलने वाला कोई और है, आप आइएगा, मैंने आपसे कहा तब ना आप आइएगा, आप यहाँ बैठिए मैं आपसे कह रहा हूँ, है ना, तो ये भी याद रखिएगा पुरुषवाचक होगा, क्या कोई भी बोल सकता है, राधा बोल सकती है, श्याम बोल सकता है, कोई भी बोल सकता है। सर्वनाम के प्रयोग संबंधी सावधानियां, कुछ सावधानियां आपको रखने हैं वो देख लीजिए, यहाँ पे क्या रखना है, सर्वनाम जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसी के अनुसार लिंग और वचन चलते हैं, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये इरर वाले सेक्शन में यानी वाक्य शुद्धि अशुद्धि में पूछे जाते हैं ऐसे करके, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। लड़के, अब देखिए लड़के, लड़के मतलब बहुवचन, तो यहाँ पे क्या होगा, बहुवचन, खेल रहे हैं, वे 5 बजे घर, अब वे है यहाँ पे, वे एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, थोड़ा रुक जाइए, देखिए लड़के, लड़के क्या है, लड़के क्या है, बहुवचन, तो ये खेल रहे हैं ये बहुवचन होगा, अब लड़का होता तो लड़का खेल रहा है होता, वेरी गुड। वे क्या है, वह का बहुवचन क्या होता है, वे 5 बजे घर लौटेगा कि लौटेंगे, तो ये बहुवचन में ये इससे ये चलेगा, मतलब इसके अनुसार क्रिया चलना चाहिए, यही बोला गया है, लिंग और वचन इसी के अनुसार चलेगा, मतलब सर्वनाम जिस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसी के अनुसार। मैं, तू, या, वह, विभक्ति रहित सर्वनाम कर्ता कारक के बहुवचन में क्रमशः, अभी आपने कारक नहीं पढ़ा है, कारक पढ़ाएंगे तब देख लीजिएगा उसमें, है ना, मैं हम हो जाएगा, तू तुम हो जाएगा, यह ये हो जाएगा, वह वे हो जाएगा, इतना तो मैंने पहले ही बता रखा है आपको, है ना, ये परिवर्तित हो जाते हैं, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए तो यहाँ पे विशेषण की अवस्था, ये तो विशेषण देखना है, आइए यहाँ देखिए, वचन और कारक के आधार पर सर्वनाम का रूपांतरण होता है, वचन और कारक के आधार पर, मैं, हम, तू, तुम, मेरा, ये छोड़ दीजिए अभी, ये समझ में नहीं आएगा वैसे, आप अपने, ये मैं जब वचन कारक पढ़ा दूंगा, कारक पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ये चीज़ दिखाऊंगा मैं आपको, कारक जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ एक कोरिलेट कर दूंगा मैं। अब आइए विशेषण की अवस्थाएँ देखते हैं, ये तो विशेषण की अवस्थाएँ तो बाद में पढ़ना है, पहले विशेषण पढ़ना है, इसमें विशेषण लाता हूँ मैं, हाँ विशेषण आ गया, पढ़ाएँ विशेषण, क्यों टाइम हो गया,
ठीक है, तो अभी कमेंट ले लूँ मैं विशेषण, क्योंकि शुरू करेंगे तो फिर तो बहुत टाइम लगेंगे इसमें। कल कर लेंगे विशेषण, विशेषण ही बचा है ना, आज क्रिया बचा है, विशेषण और क्रिया कल खत्म करेंगे बाकी। चलिए अब आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। आप क्वेश्चन पूछिए जो भी डाउट आपको हो आज के क्लास में, और कल मैंने बोला था ना कुछ पूछने के लिए, पूछो। चलिए पूछता हूँ, तब तक आप लोग अपना डाउट बताइए, कोई डाउट हो कुछ हो वैसा तो बताइए। अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग भी देखते रहिए, फटाफट बता रहिए। सर रोज कहानी बताना, ये लोग तो कहानी में पड़ गए। ठीक है, बताने का कोशिश करूंगा रोज, लेकिन उस कहानी से सीखना है आपको। मेरा काम यहाँ रटवाना नहीं, मेरा काम है आपको एग्जाम तक प्रिपेयर्ड कर देना। तो आप प्रिपेयर्ड हो जाइए, मेरा कहानी सार्थक हो जाएगा, नहीं तो फिर कहानी केवल सुनने से क्या फायदा है। जीवन में उतारिए कुछ कुछ, है ना। नो डाउट सर, डाउट है तो पूछ लीजिए, तब तक मैं देखता हूं, मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूंगा। अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी, अभिषेक शर्मा ये पूछ रहे हैं कि गुरु जी क्या पढ़ा रहे हैं। सॉरी, मैंने लगा कि वो पता नहीं ऐसा क्यों बोल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, हो जाती हैं चीज़ें जल्दी जल्दी में, मैंने कमेंट ले लिया आपका। चलिए ठीक है, आपने एग्जांपल दिया था, वेरी गुड। और कोई डाउट है तो पूछिए, किसी के डाउट है तो पूछिए, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अभी हैं 5-10 मिनट टाइम, तो मैं क्वेश्चन पूछ लूंगा। सर एक बार व्यक्तिवाचक बता दीजिए। ओके बताता हूँ, ध्यान दीजिए, व्यक्तिवाचक। इन्होंने कमेंट किया है विकास ने, ठीक है ना। वह आप ही स्वार्थी है, मैं पुरुषवाचक नहीं हो सकता है। वह आप ही स्वार्थी है, मैं पुरुषवाचक नहीं हो सकता है। तो मैंने कब बता दिया पुरुषवाचक, ये तो निजवाचक है। मैंने कब बताया ऐसा, बताया था क्या? नहीं तो ऐसा नहीं होगा। पूछिए, ठीक है पूछता हूँ। सबसे पहले व्यक्तिवाचक वाला डाउट क्लियर कर देता हूँ, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। व्यक्तिवाचक ध्यान दीजिए, अब इधर देख लीजिए, ये दिख रहा है कलर, ये पीला वाला दिखता है ना कलर, व्यक्तिवाचक। आप लोग को दिख रहा है ना वहाँ स्क्रीन पे, जल्दी नहीं दिखता है व्यक्तिवाचक, वैसे मैं पीला ही कर लेता हूँ। देखिए व्यक्तिवाचक किसे कहेंगे, समझिए। व्यक्तिवाचक ध्यान दीजिएगा, जो शब्द किसी खास, यानी किसी खास स्थान, वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में बताते हों, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, खास, मैंने बोला खास मतलब उसमें कुछ स्पेशल होना चाहिए, औरों से वो अलग होना चाहिए। जैसे पहाड़ तो बहुत देखे लेकिन हिमालय जैसे नहीं देखे। अब हिमालय क्या है, खास पहाड़ है, पहाड़ या पर्वतमाला बोल दूं मैं, पहाड़ नहीं एक्चुअली ये पर्वतमाला है। हिमालय क्या है, पर्वतमाला है। जैसे ऐसे मैं पर्वत मान लूं ये पर्वत है, तो इसमें कई ऐसे ऐसे बने हैं ना स्ट्रक्चर। हिमालय पर्वतमाला यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होता है, कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से आता है ना यहाँ तक, जम्मू कश्मीर से होते हुए यहाँ अरुणाचल प्रदेश आगे तक नीचे जाता है। खैर उससे नहीं है हिमालय। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जो खास व्यक्ति स्थान, अब खास व्यक्ति के बारे में बता देता हूँ। जैसे मान लिया जाए खास व्यक्ति कृष्ण भगवान, खास व्यक्ति हैं। खास व्यक्ति के बारे में एक और एग्जाम्पल ले लूँ मैं, कोई कोई एक व्यक्ति का नाम आप ही लोग बता दीजिए। खास, गंगा नदी खास है, नदी का नाम है, है ना। खास स्थान मान लिया मैंने, ले लिया रांची, ठीक है ना, या कोई देश का नाम ले लिया मैं, मान लो भारत। खास है, कुछ तो स्पेशल है इसमें खास। अब इसको समझेंगे कैसे, दो मिनट में समझाता हूं। कौन प्रश्न लगाना है, कौन कौन प्रश्न लगाना है आपको, और पूछना है कौन कृष्ण। अच्छा राम जी, चलिए राम जी ले लिया, राम जी आपको लगाना है। कौन प्रश्न, जो भी शब्द है, कौन हिमालय प्रश्न लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये व्यक्तिवाचक होगा। अब इसी जगह मैं कह दूं पर्वत, तो बोलिएगा कौन पर्वत, इजली बोल देंगे, है ना। जवाब देने वाला अगर कोई हो तो दे भी देगा, लेकिन कौन पर्वत आपको पता नहीं चल रहा है, कौन पर्वत क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो जातिवाचक होगा। क्वेश्चन करने में थोड़ा कठिनाई हो या नहीं हो पा रहा है तो वो व्यक्तिवाचक होगा। कौन हिमालय, अब आप खुद शर्मिंदगी महसूस करेंगे, नहीं सर ये तो गलती बोल दिया मैंने। कौन कृष्ण बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। कौन गंगा, आप जानते हैं कि गंगा एक ही है। कौन रांची, नहीं बोल सकते। कौन राम, नहीं बोल सकते। कौन भारत, नहीं बोल सकते। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जो क्रिया से, क्या लिखा है इन्होंने, जो क्रिया से भाववाचक नाउन बनाया है वो समझ में नहीं, समझ में जी आता सर, नहीं आता सर, क्या लिखा है इन्होंने।
अच्छा कल दिखा दूंगा मैं वो क्रिया से भाववाचक वाला, वो फाइल में ही है तो फाइल में दिखा दूंगा मैं क्रिया से भाववाचक वाला कैसे बनता है, ठीक है। और क्रिया भी बाकी है, क्रिया भी पढ़ने के बाद भी वो एक बार पीछे ले लूंगा मैं तो दिखा दूंगा आपको, ठीक है ना। चलिए अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, और किसी का डाउट है तो बोलिए फटाफट, डाउट है तो बताइए कोई आपका, मैं कल ले लूंगा जो क्रिया से। वह आप ही स्वार्थी है, वह आप ही स्वार्थी है, कोई दूसरा ही बोल रहा है ना। नहीं नहीं बोल नहीं रहा है, वह आप ही स्वार्थी है मतलब ठीक है बोल रहा है मानता हूं नीरज, ये कोई दूसरा बोल रहा है जरूर, लेकिन इस आधार पुरुषवाचक अरे वो आधार नहीं मान लेना है। मैंने एक बार बता दिया कि आप ही स्वयं, देखिए निजवाचक पकड़ने का तरीका भी बता दूं, आपका कहना बिल्कुल सही है नीरज सिंह, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एक चीज बता देता हूं, जो आपने लिखा है कि वह आप ही स्वार्थी है, ठीक है ये कोई दूसरा ही बोल रहा है, ठीक है बोल दिया मैंने, मान लिया मैंने कि दूसरा बोला, तो इस आधार पर पुरुषवाचक होगा। आपने मतलब तगड़ी दलील दे रखी है। खैर निजवाचक को पकड़ने का सिंपली फॉर्मूला मैं बताता हूं, वो फॉर्मूला आप रखिए कहीं दिक्कत नहीं होगा। आप ही स्वयं खुद स्वतः अपने आप, ये शब्द जब वाक्य में लगे रहेंगे तो समझिएगा निजवाचक है सिंपली। बाकी अगर फिर भी डाउट होगा तो कल मैं इसके लिए कल इसका भी डिस्कशन कर लेंगे। कई शब्दों का विलोम बनने के लिए हम शब्द के आगे अकेला कुछ भी बोलते हैं। अच्छा विलोम शब्द पूछ रहे हैं, बताएंगे विलोम शब्द। अब क्वेश्चन पूछते हैं, बताइएगा फटाफट, है ना। आपके समक्ष रहा पहला क्वेश्चन, ये हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, बताइए फटाफट। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, कौन सा होगा, भारोपीय होगा, पक्का। देखिए इन्होंने बोला भारोपीय, बताइए कमेंट आने, हाँ भारोपीय, ठीक है वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ लूँ, हिंदी भाषा की उत्पत्ति पूछ, हाँ वेरी गुड। बताइए आप संस्कृत का काल बता दीजिए, कब से कब तक संस्कृत रहा था, यह काल यहाँ से यहाँ तक। आपको हिंट्स बोलिएगा तो मैं कर दूंगा, बताइए काल, बताइए संस्कृत का काल, ईस्वी में बताना है, अरे मतलब डेट बताना है, डेट बताइए, बताइए फटाफट। पंद्रह सौ से एक हजार में से, पक्का संस्कृत, मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा है, पक्का। अच्छा मैं क्वेश्चन रख लेता हूँ फिर लास्ट में इसका आंसर दे दूंगा ताकि आप लोग फटाफट आंसर कर पाएं। तीसरा क्वेश्चन, एक तो दो तो ये हो गए, हाँ तीसरा, अपभ्रंश कितने हैं, ये क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है, किस अपभ्रंश से, ठीक अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन पांचवा, देश की प्रथम भाषा, चलिए फटाफट कमेंट करिए और आप लोग भी बताइए फटाफट, मैं यहां पर देख रहा हूं। बताएं बताएं फटाफट सर, अपभ्रंश समझ नहीं पा रहा हूं, जैसे सर पाली का व्यक्ति तो संस्कृत पाली का व्यक्ति अपभ्रंश है, इसका कोई ऑप्शन वगैरह हुआ है या फिर थर्ड नंबर समझ नहीं पा रहा हूं, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, अब कल तो मैंने बताया था आपको, बोलिए। चलिए फटाफट पाली सौर सेनी फटाफट जवाब दीजिए भाई, पाली की बात आएगी, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए फटाफट, मैं यहाँ देख रहा हूँ पांच अपभ्रंश है, अवहट है, अवहट से हिंदी की उत्पत्ति, अपभ्रंश थोड़े अवहट, ऐसा थोड़े, हिंदी तो सौर सेनी अपभ्रंश है, मैंने जो पूछा है वो बताइए। थर्ड का सात, थर्ड में कौन है, चलिए यहाँ पे सात अभी मैं लिखूंगा नहीं, पहले बता लीजिए आप लोग। पांच सौर सेनी, जिन्होंने बोला अभिषेक शर्मा नीरज सिंह सौर सेनी,
आप लोग बताइए फटाफट, सौर सेनी, वेरी गुड, और बताइए फटाफट। चलिए देखिए, संस्कृत का काल जो रहा है वो कब से कब तक, 1500 बीसी से, वाह वेरी गुड, 500 बीसी। इसको मैंने दो खंड में बांटा था ना, कौन कौन सा, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का टाइम पीरियड क्या रहेगा, 1500 से, सॉरी 1500 से, हाँ 1000 और 1000 से 500, ऐसे ही बताया था ना। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए ना, फिर पूछ देगा कहीं। अब भ्रंश टोटल मैंने बताया था 7, इसमें एक अब भ्रंश सौर सेनी से निकला था हिंदी, तो यहाँ क्या होगा, सौर सेनी अपभ्रंश, ठीक है, इसको स्टार मार्क कर दीजिए, सौर सेनी। देश की प्रथम भाषा पाली, और पाली किसकी भाषा थी, बौद्ध धर्म, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट अच्छा, संस्कृत तो भारत की सबसे प्राचीनतम भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है ना, देवताओं की भाषा है, आर्यों की भाषा है। चलिए बाकी सब ठीक, कल मिलते हैं, कल पढ़ेंगे हम लोग विशेषण के आगे विशेषण और क्रिया, है ना, विशेषण पढ़ेंगे, क्रिया पढ़ेंगे, उसके बाद आगे देख लेंगे, संधि बताएंगे, आराम से बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, संधि आपके दिमाग में डाल देंगे, टेंशन मत लीजिए, कर देंगे हम कंप्लीट, है ना। चलिए तो आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही आप मन से पढ़ें, है ना, और कहानी से कुछ सीख लें। चलिए धन्यवाद।